बेटे, इसको सिंपली करोगे, यहां पर देख लो एक बार, पहले मैं इसको रिकैप करा दूं कि क्या किया है आपने, उसके बाद मैं बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। पहले क्वेश्चन को हमने लिया, इस क्वेश्चन में देखो x³/3, y=x³/3, x²/2, x π x, तो सारे टर्म यहां 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 सब x^n वाला फॉर्मूला लगेगा, सब में x^n है, n का नहीं लिखा रहेगा, पावर रहेगा ना कुछ। अब a+b का होल स्क्वायर होता है तो a और b लिखा रहता है, जरूरी तो नहीं है, कुछ भी हो सकता है भाई, x+y का होल स्क्वायर हो सकता है, 2+x का होल स्क्वायर हो सकता है, sin θ+2 का होल स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसे फॉर्मूले में n जो है कोई रियल नंबर है, n विल बी एनी रियल नंबर। तो यहाँ पे देखो 3 हो गया, 2 हो गया, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है ना, जीरो भी, जीरो में तो जीरो ही हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो हो जाएगा, है ना, वो चीज है, जीरो करेंगे तो यहाँ एन जीरो आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, कुछ भी होगा, कुछ भी हो सकता है एन। यहाँ पर पाई एक्स, तो यहाँ पर आप देख लो हमने क्या लगाया रूल कि डिफरेंशिएट इसको करना है तो एक एक टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, d(dx)(x³/3) + d(dx)(x²/2) + d(dx)(π x). अब इसको क्या करोगे, इसको क्या करोगे, अब कॉन्स्टेंट जो है बाहर आ जाएगा, तो 1/3 यहाँ मल्टीप्लाइड है, तो 1/3 बाहर आ गया, x³ का डिफरेंशिएशन, 1/2 बाहर आ गया, देखो 1/2 बाहर आ गया, x² का डिफरेंशिएशन, प्लस पाई बाहर आ गया, पाई कांस्टेंट था, पाई बाहर आ गया, और यहां देख लो d(dx)(x), तो x का डिफरेंशिएशन, x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में x³ रखो तो हो जाएगा n इंटू x^n-1, n क्या है, n है 3, इंटू x² यहां पर क्या है, देखो यहां पर 2 है तो हो जाएगा 2 इंटू x^(2-1), दैट इज x, और यहां पाई एक्स का पावर 1, तो 1 इंटू x^(1-1), क्लियर है बेटा, समझा इसको? यस सर। बोलो, समझा देव? यस सर। सुजल? यस सर। अर्पित? यस सर। पीयूष? हाँ सर, समझ आ गया। चलिए ठीक है, तो बेटा ये आप देखो इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, आप लिखेंगे इसको या मैं रब कर दूं? लिखना हो तो लिख लो, लिख लो जल्दी से, सारे रूल सभी सीख लेंगे। मैं सभी को कॉल करूंगा आज और सबसे फॉर्मूले पूछूंगा। I will send you some questions also to differentiate. Simple simple questions भेजूंगा आज practice के लिए। सर trigonometry में 150 formula है। बेटा 100-150 formula है ना? सब याद हो जाता है, सब easy है। हम लोग को दिए नहीं ना उतना सर, हम लोग को तो कम, बहुत कम मिला हुआ। कहाँ दिए तो होंगे, 100 formula के आसपास दिए होंगे। सब फॉर्मूले दिए होंगे, लिखा दूंगा मैं, और भी लिखाऊंगा जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, इसमें तो कम है। सर एनसीआरटी के फॉर्मूले जितने एनसीआरटी में उतने ही हैं। हाँ वो तो एनसीआरटी के बराबर ही हैं, और भी मैं लिखाऊंगा, है ना, और भी बहुत सारे फॉर्मूले लिखाऊंगा मैं, है ना, क्योंकि एनसीआरटी सिर्फ थोड़ी पढ़ा, एनसीआरटी तो 2 से 3 दिन में, 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा आपका, पर ट्रिग्नोमेट्री आपका 3 हफ्ते 4 हफ्ते चलेगा, समझे, तो बहुत कुछ आप करेंगे ट्राइग्नोमेट्री में। एनसीईआरटी में तो कुछ भी नहीं है, ट्राइग्नोमेट्री में बहुत सिंपल दिया है। लिख लिया, नोटेड?
देखो अब एक ही लाइन में कर देना है, एक ही लाइन में कर देना है इतने स्टेप्स को। हमें वहां दिया हुआ है, दिख रहा है सबको वाई, सभी बच्चों को वाई दिख रहा है। आपको फाइंड करना है डीवाई बाई डी एक्स, तो आपको फाइंड करना है बेटे डीवाई बाई डी एक्स, तो क्या करोगे देखो, एक्स क्यूब बाई थ्री है तो वन बाई थ्री तो बाहर रहेगा, ये तो मन में रखोगे ही, मन में रख लो कि ठीक है वन बाई थ्री बाहर रहना है, तो वन बाई थ्री को अलग से लिख दिए, और एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब पे फॉर्मूला लगा दिए, तो एक्स क्यूब पे ये फॉर्मूला लगा दिए क्या हो जाएगा, थ्री इंटू एक्स बोलो पावर टू आएंगे तो क्या आएगा, थ्री इंटू एक्स पावर टू, हाँ थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा, थ्री एक्स टू दी पावर टू, तो थ्री एक्स स्क्वायर है ना, या एक्स टू दी पावर टू कोई दिक्कत नहीं है बोलो, है ना, तो ऑब्वियसली बात है थ्री कट जाएगा, आप चाहो तो इसी स्टेप में काट भी देते, है ना, प्लस वन बाई टू और टू एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है ना आएगा टू और एक्स टू दी पावर एन माइनस वन टू एक्स हो जाएगा, और प्लस एक्स का डिफरेंसिएशन, एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट कुछ भी रहेगा, किसी चीज को उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, किसी भी चीज को उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, वन, वेरिएबल को करते हैं, है ना, वेरिएबल को वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं बोल देना कि टू का डिफरेंशिएशन टू के साथ रॉन्ग, टू का डिफरेंशिएशन टू के साथ क्या होगा रॉन्ग, क्यों रॉन्ग होगा, हम डिफरेंशिएट वेरिएबल को करते हैं वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, ये बात क्या दिमाग में, ये बात क्या दिमाग में बेटा, यस सर, रेट ऑफ चेंज देख रहे ना, रेट ऑफ चेंज, चेंज किसमें होगा, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर सकते हो, पर डिफरेंशिएट हमेशा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो हो जाएगा, है ना, तो आप किसी भी फंक्शन को वेरिएबल यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो सकता है कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में नहीं करते, डिफरेंशिएशन हमेशा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो आप जो भी बोलिए, है ना, आप बोलेंगे इंडिया के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो इंडिया शुड बी अ वेरिएबल नॉट अ कांस्टेंट, आपने किसी वेरिएबल को नाम दे दिया इंडिया, है ना, दे दिया तो दे दिया, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, है ना, वो चीज है, तो बात है यू डिफरेंशिएट ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, है ना, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है जीरो, ये सब याद रखना है, ये हो गया, आप इसको कट कर दो तो क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव, इज दैट क्लियर, तो बस ऐसे करना है, समझाइए सुजल सर, सर एक बड़ी सारे रूल्स बता दूंगे, हाँ अभी बता रहा हूँ, बस ये करा के बता रहा हूँ, है ना, आज रूल्स पे ही क्वेश्चंस करेंगे, दो मिनट में सब बता दूंगा फिर बता रहा हूँ रूल्स, चलो पहला क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा टाइम लगा, देव क्लियर है, यस सर, अर्पित, यस सर, पीयूष, यस सर, इस क्लियर, चलिए ठीक है, अब देखो आप तो कुछ भी नहीं है, वाई का वाई है साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ई टू डी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है पीयूष, What is the differentiation of e to the power x? E x, e power x sir. E to the power x ही होता है. E to the हर जगह मत कर देना. A to the power x का a to the power x नहीं होता. E to the power x का e to the power x होता है. याद रखिएगा सभी को. यहाँ e to the power x आ जाएगा. ln x है तो one by x. One by x. यहाँ क्या हो जाएगा? Direct बताइए. 12x² - 4x. 6 का zero. याद हो गया सर, अब ये रूट एक्स है सर, हाँ बोलो, उसको और सिंपलीफाई कर दे, मतलब कॉमन, अच्छा नहीं कर सकते, आपकी मर्जी कर दो, क्या जाएगा, कर दो ले लो कॉमन है ना, फायदा नहीं है सर, कोई फायदा नुकसान उसमें कुछ भी नहीं है, है ना, बिल्कुल सही बात है ना, आपकी मर्जी है तो कर लो, है ना, डिफरेंशिएट कोई बात पे, डिफरेंशिएट हो गया ना, डिफरेंशिएट हो गया, उसके बाद आपको जैसे लिखना है लिखो, मतलब ऐसे छोड़ सकते हैं सर ये सबको, अरे बिल्कुल छोड़ सकते हैं, है ना,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो जिस फॉर्मेट में उस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा. रूट एक्स का ये देखो y इक्वल टू रूट एक्स बहुत काम आता है ये. इसका मतलब क्या हो गया x टू दी पावर x पावर 1 बाय 2 तो डिवाइड हो जाएगा 1 बाय 2 x पावर 1 बाय 2 माइनस 1 x टू दी पावर 1 बाय 2 माइनस 1 दिख रहा है अर्पित. अर्पित बेटा यस सर. हाँ चलिए ठीक है. देखो आप लोग, आप लोगों को मैं क्यों कहता हूं कि करो, क्योंकि मुझे पता है आप लोग कैपेबल हो, आप लोग कर सकते हो, है ना. अब मेरे पास देखो 11th में एक ऐसी बच्ची पढ़ती है, 11th क्लास में एक मेरे पास एडमिशन है, वो बहुत ही कमजोर है पढ़ने में बेचारी, उसका बेस बिल्कुल क्लियर नहीं है, है ना. उसको छोटी छोटी चीजें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिविजन नहीं पता है. उसको ये नहीं पता है कि एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन होते हैं. उसको ये नहीं पता है कि प्रोटोन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर होता है ना. एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, ये भी नहीं पता है. उसको बहुत सारे एलिमेंट्स का सिंबल नहीं पता है ना. तो ऐसे बच्चे को भी मैं पढ़ा रहा हूं. मैं उसको तो तुम आईटी करो क्यों कहूंगा बेटा, पढ़ाई तो सबके लिए होती है ना. बोलो अब ऐसा बच्चा किसी और इंस्टीट्यूट में जाएगा, वो पैसे ले लेंगे और उसको पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है भाई हो गया ना, इसको छोड़ दो. तो वो मैं नहीं कर सकता, है ना. मैं उसको भी पढ़ा रहा हूं और पूरा टाइम देता हूं, समझे. हर बच्चे को पढ़ाना है बेटा, यही है इंस्टीट्यूशन का, ठीक है. हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी है. आप लोग जितने भी बच्चे हैं बहुत ही कैपेबल हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आप मेहनत करेंगे आईटी में बहुत अच्छे, है ना. मेरे मन में जो चीज है ना, मैं चाहता हूं कि 2022 में दिल्ली जोन का सबसे बेस्ट रिजल्ट लक्ष्य दर्शन एजुकेशन से आए. अब वो तब पॉसिबल है जब आप मेरी बात को मानेंगे और करेंगे, एंड डेफिनेटली यू कैन गिव द बेस्ट रिजल्ट इन दिल्ली, ओके. लेकिन वो तब होगा जब आप मेरी बात को अच्छे से मानेंगे, ठीक है. और आप करिए, है ना, मैं लगा हूं आपके साथ, आप भी लग जाइए, जरूर कर सकते हैं, है ना. और सच्चाई बताने से घबराना है. आपको जहां दिक्कत होती है आप मुझे बताइए, मुझे जहां लगेगा आप में कमी है मैं बताऊंगा, है ना. ये नहीं कि बच्चों की कमी छुपानी है ना. वो सारी चीजें कई बार मेरे साथ, मेरे बगल में एक इंस्टीट्यूशन है वहां पे 500 बच्चे पढ़ते हैं, है ना. एक बार मुझे, मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, मुझे बुलाए, बोलते हैं सर आप क्लास ले लीजिए. हमने बोला ठीक है ले लेंगे क्लास, है ना, मेरे पास टाइम रहेगा, आपको हेल्प कर देंगे और क्या दिक्कत. तो वो बोलते हैं कि सर क्लास लीजिए और ऐसे लीजिए कि बच्चा हमेशा खुश रहे, वो सीखे ना सीखे आप क्या बस उसको ऐसे रखिए कि खुश रहे. हमने बोला भैया ये काम आपको पास से नहीं होता, है ना. पढ़ेगा तो पढ़ेगा, नहीं तो मैं डंडे कर दूंगा, सीधी सी बात है ना. तो वही स्टूड है मेरा, तो आपको करना पड़ेगा. याद रखिए आप ऐसी जगह है जहां पे पढ़ाई करना पड़ेगा, और आई नो दैट यू ऑल आर वेरी सिंसियर टुवर्ड्स स्टडी, लेकिन आपकी एटीट्यूड को चेंज करना है. दिन भर 24 घंटे आप अपने आप को इन्वॉल्व रखिए, और मन में, मेरे मन में क्या आता है, मेरे मन में ये आता है 24 घंटे में यही सोचता रहता हूं कि आप बच्चे जो मेरे साथ हैं, 5 बच्चे जो मेरे साथ हैं, whoever will be coming in, आप सभी के सभी आईटी में टॉप रैंक्स लाएं, अच्छे रैंक, मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए, एंड आई एम डूइंग एवरीथिंग दैट. सिर्फ मेरे सोचने से नहीं होगा ना, आपको भी सोचना पड़ेगा और आपको वो करना पड़ेगा. काम मैं दूंगा करने के लिए, आपको करके दिखाना है. फंसोगे मुझसे पूछो, है ना, अब फिर देखो आपके रैंक कैसे आते हैं, ओके. तो इस एटीट्यूड को डेवलप करो मेरा बेटा. आइए देखिए यहां तक हो गया, ये क्या हो जाएगा, इसको आप क्या लिखेंगे, 1 बाई 2 x टू दी पावर माइनस 1 बाई 2 नीचे चला जाएगा, तो 1 बाई 2 x. अर्पित आर यू गेटिंग दिस? अर्पित यस सर, समझ रहे हो. देखो डिफरेंशिएशन इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग. आपको अगर फॉर्मूले याद है, रूल्स याद है, तो दुनिया के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं डिफरेंशिएशन के, और मैं कराऊंगा सारे क्वेश्चन. डिफरेंशिएशन करने का जो चैप्टर होता है ना, वो चैप्टर इसी क्लास में खत्म, मतलब इसी समय खत्म कर देंगे, ये नहीं कि जब पढ़ाएंगे तब, अभी खत्म कर देंगे. धीरे धीरे मैं सारे फॉर्मूले बता दूंगा इस वीक में, इस वीक के क्लास सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे आपके. और भी जो फॉर्मूले 5-10 बचे हैं वो भी मैं आपको लिख के करवा दूंगा. ये हो गया. अब उसी तरह से 1 बाई एक्स लास्ट, इसको देखिए क्या होगा बेटा, 1 बाई एक्स का 1 upon x square. No, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है बेटा.
पिटाई खाएगा। 1 बाय x का ln x का क्यों होगा सर? ln x का 1 बाय x होता तो 1 बाय x का ln x हो जाता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, समझे? मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना, समझे? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ब्रेक करना। अभी ये सारी चीजें हम लोग अगले वीक में सीखेंगे, जस्ट अगले वीक में। अभी तो मैं रूल सिखा रहा हूँ ना, मैं और डिटेल में बताऊंगा चीजों को। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ देना, है ना, छोटे छोटे पार्ट में बांटना। डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट मतलब काटना, छोटा करना। इंटीग्रेट मतलब छोटे छोटे पार्ट को जोड़ना। तो इंटीग्रेशन भी हमारा अगले वीक में आएगा, है ना। इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा नहीं सीखेंगे, बहुत रूल्स नहीं सीखेंगे, बस मतलब जान लेंगे, मतलब जान लेंगे और बेसिक फॉर्मूला, बस बेसिक फॉर्मूले इंटीग्रेशन आपको करना है 11th में, उससे ज्यादा नहीं जाना है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मतलब एक ही चैप्टर है दोनों मिला के? नहीं नहीं, दो अलग बुक है बेटा, एक चैप्टर नहीं है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन की आप कितनी मोटी किताब आएगी और इंटीग्रेशन की कितनी मोटी किताब आएगी जी। ओके, डिफरेंशिएशन में खुद अभी फिजिक्स सब पता चलेगा। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज हुआ ना, रेट ऑफ चेंज समझा? रेट ऑफ चेंज का क्या यूज है जरा बताओ? हर जगह यूज है, है ना। अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा है, कोरोना का सीजन है ना, है ना। केस कि इतना केस पर डे, इतना केस पर डे, ये क्या है? डिफरेंशिएशन है। यस सर, है ना, रेट ऑफ चेंज ही तो है। रेट ऑफ चेंज, कितने लोग पर डे कोरोना ग्रसित हो जा रहे हैं, कितने लोग पर डे कोरोना से रिकवर कर जा रहे हैं, कितने लोग मर जा रहे हैं बेचारे, है ना। तो ये क्या है? रेट ऑफ चेंज है ना, है ना। रेट ऑफ चेंज ही तो है, द रेट विथ विच द कोरोना people are getting affected by the corona per day, the rate with which the people are getting recovered by the corona per day, the rate with which the people are dying due to corona per day. So this is rate, hai na, isko hum differentiation se relate kar sakte, that is also calculus. Calculus ka har jagah use hai, economics mein use hai na, physics mein use hai, rate of change of velocity hai, deta hai, rate of change of position with respect to time, velocity deta hai, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फोर्स देता है। तो इस तरह से यूज है, समझे? आप पढ़ते जाइए, यूज मिलता जाएगा, वरना मुझे क्या जरूरत पड़ती है कि अभी पहले मैं डिफरेंशिएशन और बीच में लॉग को छोड़ के, है ना। हाँ सर, वो जरूरी पड़ा है, इसलिए तो हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। चलो आओ देखो, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये देखो, 1 by x है बेटा, जरा ध्यान से करो। तो y equal to 1 x power minus 1, इसको क्या लिखोगे? x to the power minus 1, ये भी x to the power n वाला फॉर्म है। अब बोलो क्या होगा, अब बताओ क्या होगा? 1 upon x square मेरा बच्चा, फिर से देखो। minus 1 into x sir, minus 1 upon x square, minus 1 by x square आ रहा, minus sign को कौन देखेगा? स्क्वायरिंग कहाँ कर रहे हो सुजल? ये होता है n into x to the power n minus 1। अब इस फॉर्मूले को यहाँ लगाओ, यहाँ पर n क्या है? समझ गया, मुझे लगता है आप समझ गए। x to the power minus 1 है y, यानी कि n क्या है आपका? n है माइनस वन। तो dy by dx क्या हो जाएगा? dy by dx हो जाएगा आपका n into x to the power n minus 1। तो ये n की जगह क्या? माइनस वन, माइनस वन into x to the power minus 1 minus 1। बोलो तो क्या हो गया? ये हो गया माइनस वन into x to the power minus 2, माइनस वन by x square। बोलो सर, वो x वो माइनस वन भी स्क्वायर नहीं हो जाएगा? स्क्वायर किया है इसमें, पहले ये बताओ, हैव यू डन द स्क्वायरिंग? नो सर, वो मल्टीप्लिकेशन है बस। स्क्वायर कर ही कहां रहे हैं हम जो स्क्वायर हो रहा है? हमने स्क्वायर थोड़ी किया है कहीं पे, हमने तो माइनस वन किया है। ऐसा तो नहीं कि होल का पावर एन टू, ऐसा तो नहीं होता है एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन, होल का पावर थोड़ी है बेटा। ओके सर, आप होल का पावर कर रहे हैं? नो, होल का पावर नहीं है मेरा बच्चा, ये एन
टू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, एक्स का पावर है, समझा सुजल? यस सर। अच्छा जैसे अगर हम होल का पावर करते तो एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन है डी डी एक्स, अगर होल का पावर करते तो थ्री एक्स का होल थ्री माइनस वन हो जाता ना, तो नाइन एक्स स्क्वायर हो जाता ना बेटा। समझ गया ना? हाँ हाँ बस वही है, बस पता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलो तो यहाँ पर n अलग है, n अलग है, n into x to the power n minus 1 है, समझ गए सभी कोई? सर हाँ सर, वो फिफ्थ वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फिफ्थ वाले का, फिफ्थ का वैसे ही ऊपर किया है 12x square minus 4x बताया था ना कॉन्स्टेंट का रेट ऑफ चेंज क्या होता है? जीरो। तो कॉन्स्टेंट का रेट ऑफ डिफरेंशिएशन क्या देता है? रेट ऑफ चेंज। तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो सर। जीरो है ना, ये तो जीरो आ जाएगा ना, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, यानी कि ये हो गया 4x। बेसिकली आप ऐसे लिखो ना 4x³ d dx of 4x³ - 2x² + 6, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 12, इसका हो गया -4x और इसका क्या हो गया? जीरो। तो बस ये बचेगा, समझा ना? हाँ सर बना लिया। चलो कोई बात नहीं, सिक्स पे डाउट था। हाँ कोई बात नहीं बेटा, है ना, डाउट है क्या ना, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। चलो अब हम लोग रूल्स पे आते हैं, ओके, लेट्स कम टू रूल्स एंड लर्न द रूल्स नाउ। ये रूल्स पढ़ते हैं, देखो जो फॉर्मूला है उसमें भी मैंने लिखा है, जो मैंने 17 फॉर्मूले आपको दिए बेटे उसमें भी लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू जीरो, ठीक है? तो सारा याद करना है आज सबको, फॉर्मूले आज आपकी 130 पे, ठीक है 130 पे क्लास खत्म होगी, और 130 के बाद आप खाना होना खाने के बाद बैठेंगे और रात होने से पहले तक कम से कम आप 7 to 8 hours की स्टडी करेंगे आज सभी कोई, 7 to 8 hours की स्टडी करेंगे। कोई डाउट होता है मुझे आप भेजिए, मैं 7:30 पे, आज मैं फ्री नहीं हूँ, 7:30 पे फ्री होऊंगा, जो भी डाउट होगा मैं 7:30 के बाद आपके डाउट को सॉल्व करके भेजूंगा, इज दैट क्लियर? लेकिन आप लोग ये पढ़ाई करिए पूरा आज, आज रात 11 बजे तक 12 बजे तक पढ़ाई आप लोग, है ना? अब शुरू हो जाओ, बहुत कुछ मटेरियल भेजा है आपका, ऐसे ही बल्क बनता जाएगा अगर आप बैठे तो, ठीक है? फिर कर नहीं पाओगे आगे चल के, यहाँ रहोगे तो देखो मेरा तो यहाँ पे साफ रूल है, आप सुबह आएंगे शाम को जाएंगे, यहाँ से शाम को जाएंगे लंच वंच लेके आएंगे, जो वाले जो बच्चे वो तो मेरे पास ही रहेंगे, तो सीधी सी बात है जो भी हो आप यहाँ आएंगे और शाम को पढ़ करके बुढ़िया बिस्तर बांध के आप घर जाएंगे, समझे? पहले अगर आप जाते भी हैं तो करके आना है, 5 बजे से 4 बजे से पहले किसी को नहीं जाने दूंगा यहाँ से, 4 बजे शाम, और 4 बजे के बाद भी किसी को इच्छा है कि नहीं मैं बैठ के 8 बजे तक इंस्टीट्यूट खुला है तो वो पढ़ सकता है ना? तो बिल्कुल आप यहाँ पे बैठ के खूब पढ़ाई करेंगे, डाउट आउट जो है जब भी मैं फ्री रहूंगा आप डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, 4 बजे तक तो मैं फ्री ही रहूंगा, 4 बजे तक कोई बैच वैच नहीं रहेगा मेरा, तो उस समय तक सुबह में आपका क्लास होगा, 1 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं फ्री रहूंगा, बैच नहीं रहेगा, आप ही लोगों के डाउट्स बताना है काम करना है वही सब है, तो उसके लिए मैंने टाइम फ्री रखा है, 4 बजे के बाद भले ही बैचेज मेरे फिर शुरू होंगे, है ना? तो वो चीज है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। देखिए रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, रूल्स फॉर
डिफरेंशिएशन पहले नंबर पे, किसी को भी पहला दूसरा पाओ से कोई फर्क नहीं पड़ता। डीएक्स ऑफ ए इंटू एफ एक्स, ए कहलो सी कहलो, सी फॉर कॉन्स्टेंट, चलो सी लिख देते हैं, है ना, कोई भी नाम दे दो, नाम में क्या रखा है, इक्वल टू सी इंटू डी डीएक्स ऑफ एफ एक्स, सी इंटू डी डीएक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है, इसको लिख लो आप लोग। टू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, है ना, थोड़ा सा कट रहा है, रुक जाओ, इधर लिख दो, सी इंटू डी डी एक्स, अब दिख रहा है ना, हाँ, सी इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये हो गया। वेयर सी इज कॉन्स्टेंट, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट, और इस रूल का एक्सप्लेनेशन आप लोग देख ही लिया ना, है ना, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको दिया हुआ एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल एक दो करते जाओ, एग्जाम्पल y, एफ एक्स का मतलब y लिखो, एफ एक्स लिखो, एक ही चीज है ना, तो y इक्वल टू थ्री एल एन एक्स, थ्री तो dy वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू बाहर आ जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई में जो कॉन्स्टेंट है वो है ना, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, देख लो, एडिशन में मत कर देना, थ्री एल एन एक्स, तो थ्री इंटू डी डी एक्स ऑफ एल एन एक्स, और एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स होता है, सो दैट विल बी थ्री बाई एक्स या थ्री इंटू वन बाई एक्स, सेकेंड नंबर पे वाई इक्वल टू फोर एक्स टू डी पावर 5 by 2, 4 into x to the by 2, तो x to the power n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो dy by dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 into 4 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा d dx of x to the power 5 by 2, होगा बेटा, अब जरा ध्यान दीजिए इधर, ये क्या होगा, d dx of x to the power 2, 5 by 2 into x power 5 by 2 minus 1. Ah, very good. So 5 by 2 into the power 5 by 2 minus 1. So that is 3 by 2 हो जाएगा. ये कट जाएगा. देख लो. जो बाकी जो calculation वो तो करेंगे ही. तो ये हो गया 2. यानी कि ये क्या हो गया? 10 into x to the power 3 by 2. तो ऐसे भी लिख सकते हो. Root of x cube लिख सकते हैं ना? 10 into root of x cube. हाँ सर. हाँ, 3/2 पावर है तो क्यूब का रूट हो जाएगा, तो इस तरह से लिखा हो सकता है, समझा, रूल क्लियर है? अर्पित? यस सर। सुजल? सर आप बोलो बेटा। सर ऐसे जो डिफरेंशिएशन होता है वो सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी के लिए नहीं होता है, वो नॉर्मल किसी का भी डिफरेंस हो सकता है बेटा, क्वांटिटी नहीं, हम फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं, मतलब छोटी के लिए होगा या बड़ा भी हो सकता है बेटा, डिफरेंशिएशन हमेशा बड़ा या छोटा कौन है पहले ये बताओ, बड़ा या छोटा से कोई मतलब है? अच्छा बताओ, ये देखो y इक्वल टू x स्क्वायर, वो आपने वो लिखा है ना कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y, मतलब बहुत छोटा होना चाहिए, मैं समझ रहा हूँ, बहुत छोटा चेंज को कहते हैं ना, ये बताओ कि अभी बताओ कि यूनिवर्स का लाइफ क्या है? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा है। अच्छा 0.1 सेकंड के बाद जो यूनिट में चेंज होगा वो क्या होगा, 0.1 सेकंड का क्या वो बहुत छोटा है? तो चेंज ना छोटा होना चाहिए, यूनिवर्स का लाइफ थोड़ी छोटा होना चाहिए, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि एक्स स्क्वायर छोटा होगा, एक्स चेंज होगा वो छोटा होता है। अब एक्स की वैल्यू रख दीजिए, एक्स की वैल्यू रख दीजिए 100, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 10,000, x स्क्वायर तो बहुत बड़ा है, 10,000 है, हमने कहा कहा कि x बड़ा, y बड़ा नहीं हो सकता, dy बहुत छोटा होगा, dy, समझ रहे हो, dy क्या होगा, बहुत छोटा होगा। हाँ, अब जैसे तुम एग्जांपल देखो,
इसी को एग्जांपल से समझो बेटा, है ना? ओके अच्छा है क्वेश्चन। तो dy by dx क्या हो जाएगा, 2x, dy by dx 2x होगा। यस सर। बोलो। अब ये सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग डिटेल में 12th में पढ़ेंगे ना, तो डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीजों को। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में डिस्कस किया क्योंकि हमें शॉर्ट में ही काम है ना, इसीलिए। लेकिन क्वेश्चन आप पूछोगे तो बिल्कुल बताऊंगा। तो ये चीज है, तो ये dy by dx हो गया 2x, तो 2x हो गया, यानी कि हम x इक्वल टू 100 पे देखें तो इसकी वैल्यू क्या होगी dy by dx की, dy by dx at x equal to 100 क्या हो जाएगा, dy by dx की वैल्यू at x equal to 100 क्या हो जाएगी, 200, dy by dx की वैल्यू 200 है। dy और dx क्या है, बहुत छोटा है। जैसे मान लो dx क्या हो सकता है, dx को मैं मान लेता हूं, चलो मैं मान लेता हूं कि dx dx at 10 to the power minus 10, है ना? बोलो dx क्या है, 10 टू दी पावर माइनस 10, क्या इससे बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए dy। वो तो हमारी मर्जी, हम कितने पे हम ले सकते हैं, देखो ये प्रैक्टिकल है, 2 into 2 है। हाँ मेरा मतलब समझो, प्रैक्टिकली हमें किससे काम चलेगा, वो चीज प्रैक्टिकल चीज है, समझ रहे हो? जैसे कि मान लीजिए आप कपड़े खरीदे, आपने एक शर्ट जो है, पहले जमाने में होता था यूनिफॉर्म सिला, आपने आजकल तो सब रेडीमेड मिलता है, मान लो स्कूल का यूनिफॉर्म आप लोगों ने सिला, हम लोग के समय स्टिचिंग होता था, अभी भी तो स्टिचिंग हो के आता है। मान लीजिए आपको इच्छा ही नहीं, मैं अपने बॉडी के हिसाब से फिटिंग वाला जाऊंगा, टेलर को बोलूंगा स्टिचिंग करो, है ना? आपने कपड़े लिए, 2 मीटर आपको 2 मीटर कपड़ा फॉर एग्जाम्पल लगा, 2 मीटर कपड़ा लगा, बाजार से गए 2 मीटर कपड़ा खरीदने, आपके टेलर ने बोला कि आपका कपड़ा जो मिला है वो 2 मीटर नहीं है, आपका कपड़ा है 1.999 मीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर कम है ना? समझ रहे हो सुजल? Yes, sir. आपको जो कपड़ा दिया है, जो शॉपकीपर ने आपको, क्लॉथ वाले ने जो कपड़ा दिया है वो 1 मिलीमीटर छोटा दे दिया है ना? अब बताओ आपका शर्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। 1 मिलीमीटर से क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे भी 1 मिलीमीटर हो जाए तो क्या हो जाएगा, है ना? अब तुम सोचो, चलो मैं बताता हूँ, 1 सेंटीमीटर छोटा दे दिया है उसका कि नहीं, 1.99 मीटर दिया है, 1 सेंटीमीटर कम दे दिया, अब तक नहीं बनेगा कपड़ा, अभी भी बन जाएगा, क्या छोटा हो जाएगा? नहीं, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब नेग्लिजिबल, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे हाथ 1 सेंटीमीटर या लेंथ 1 सेंटीमीटर छोटा, प्रैक्टिकली 1 सेंटीमीटर भी हमारे लिए क्या है, पेंडिंग टू है, नहीं है कि नहीं? यस सर। 5 सेंटीमीटर भी छोटा दे देता तो एडजस्ट करके बन ही जाता, समझ रहे हो मेरी बात को? इससे भी छोटा होना चाहिए, है ना? साइंटिस्ट या इंजीनियर क्या बोलेगा? इंजीनियर बोलेगा प्रैक्टिकल काम चल रहा है ना, ठीक है ना? वो चीज है, समझ रहे हैं? प्रैक्टिकल की बात है, प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए, ओके? दैट इज इंपॉर्टेंट। तो वो चीज है, तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें किस चीज के लिए ये है, उस पर डिपेंड करेगा, है ना? आप किस चीज की बात कर रहे हैं? आप अगर माउंटेन साइज को मेजर कर रहे हैं, तो 1 मीटर का डिफरेंस आपके लिए नेग्लिजिबल है, लेकिन अगर आप एटम के साइज को मेजर कर रहे हैं तो 1 मिलीमीटर तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, नहीं हो गया? बताओ। तो मेजरमेंट हमेशा डिपेंड करता है कि हम किसका मेजरमेंट कर रहे हैं। एटम को मेजर कर रहे हैं तो 10 to the power minus 10 भी बहुत बड़ा है, और अगर हम माउंटेन के साइज को मेजर कर रहे हैं तो हमारे लिए साइड जो है, माउंटेन की साइज की बात करें तो 100 मीटर भी हो सकता है बहुत कम हो जाए, माउंट एवरेस्ट की हाइट में 100 मीटर ज्यादा कम हो जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना? कुछ नहीं। लेकिन एटम का साइज क्योंकि खुद ही 10 to the power minus 10 होता है, वहां पर 10 to the power minus 10 भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है, समझ रहे हो? बहुत बड़ा लेंथ है। तो हमेशा
dx या dy जो है वो छोटा है, कितना छोटा होना है वो प्रैक्टिकल सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब आइए देखिए, अगर मैं मानता हूं कि dx है 10^-100, तो आपके पास dy by dx क्या आया, dy by dx क्या आया, 200 आया ना, when x equal to 100। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं dy dx, dx 10^-100 equal to 200। मेरा बेटा dy क्या हो जाएगा, देखो dy क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, dy की वैल्यू क्या आएगी, -98। इवन अगर 10 भी लेते तो भी बहुत कम, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तब भी बहुत छोटा होता होता ना, हाँ 98, सही बोला, मैंने 10 सोच लिया था, तो 98 है। ओके तो बताओ dy क्या है, बहुत बड़ा है सर। तो बेटा यहाँ पे छोटा कौन है, टेंडिंग टू जीरो कौन है, dy और dx, dy और dx टेंडिंग टू जीरो है, y नहीं, y की वैल्यू जरा देखो तो कितनी है, y की वैल्यू तो 10,000 है, y की वैल्यू तो 1000 है। हम छोटे या बड़े को डिफरेंशिएट नहीं करते, हम हमेशा फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। याद रखिएगा सभी को, ध्यान से सुनो, है ना, सबके लिए इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट भी किया हूं इस चीज को। अब सुजल ने क्वेश्चन पूछा तो मैं डिटेल में बता रहा हूं कि हमेशा हम डिफरेंशिएट किसको करते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये लिखने का क्या मतलब हुआ, ये लिखने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं y equal to x square का ग्राफ बनाता हूं, y equal to x square का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, इधर भी ऐसा जाएगा, तो चलो मैं इस साइड का बना देता हूं, ये ग्राफ आएगा। तो अगर मैं x equal to 100 ले रहा हूं, मान लो ये पॉइंट क्या है, x equal to 100 है, अगर मैं x equal to 100 ले रहा हूं, x equal to 100 पे अगर मैं यहां पर अगर x में थोड़ा सा चेंज करूंगा, कितना चेंज करूंगा, थोड़ा सा चेंज, कितना, 10^-100 के बराबर चेंज करूंगा, तो y में कितने का चेंज आएगा, y में चेंज आएगा 2^-98 का चेंज आएगा। बात समझा, एकदम नेग्लिजिबल है ना, नेग्लिजिबल है, पर रेशियो नेग्लिजिबल नहीं है, रेशियो इज नॉट नेग्लिजिबल, उसका स्लोप अलग है, क्या चीज का रेशियो, dx by dy by dx, अच्छा हाँ है ना, dy by dx negligible नहीं है, समझे ना, dy negligible है, dx negligible है, पर dy by dx तो 200 है, यानी कि हम x मतलब हुआ इसका, x equal to 100 के आसपास अगर मैं small change लाऊंगा किसमें, x में, अगर मैं x में small change लाऊंगा तो y में कितना चेंज होगा, जितना x में चेंज होगा उससे 200 गुना ज्यादा चेंज होगा। ये बात समझा dy by dx equal to 200 कहने का मतलब है कि dy की वैल्यू dx के कॉम्पिटर में 200 गुना ज्यादा है, समझ रहे हो, बोलो, यस सर, हाँ। अब वही मैं अगर x equal to 0 पे देखूं, x equal to 0 पे 0 हो जाएगा, तो देखो बिल्कुल ऐसा ग्राफ होता है ना, फ्लैट, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा तो y में बहुत कम चेंज होगा, नेग्लिजिबल चेंज होगा, है ना, ना के बराबर, यानी कि 0 हो जाएगा, x तो आप कैसा दिख रहा है, एकदम लेटा हुआ दिख रहा है, एकदम जमीन पे ऐसे, तो क्या हो गया, टेंजेंट बिकम पैरेलल टू x एक्सिस, सो रेट ऑफ चेंज इज 0, है ना। तो चलो इन चीजों पे डिस्कशन और होगा, आगे चल के और भी डिस्कशन होगा। अब हम लोग रूल्स पे आ जाते हैं, ये रूल सबको क्लियर है, इज दिस रूल क्लियर टू एवरीवन, यस सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 2, देखो बेटे अब हम रूल 2 की बात कर रहे हैं, रूल नंबर 2 बड़ा सीधा, अब आप डिफरेंशिएशन का मतलब समझ रहे हैं, है ना, जैसे कि मान लीजिए dx ऑफ शॉर्ट में लिख देता हूं रूल, dx ऑफ u प्लस v, है ना, तो ये क्या हो जाएगा,
du by dx plus dv by dx. U और v क्या है? U and v are the functions of x, है ना? और d dx of u minus, ये क्या हो जाएगा? du by dx minus dv by dx. यानी कि प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, सीधा सा है, है ना? वो चीज आपको करना है. चल याद रखिए, एग्जाम्पल देख लो. एग्जाम्पल तो आपने अभी किया ही था, जरूरत नहीं है लिखने के, है ना? पहला वाला क्वेश्चन और पांचवा वाला जो क्वेश्चन एग्जाम्पल ही था. चलिए तीसरे रूल पे आते हैं. दिस इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट. अच्छे से रट लेना इसको, प्रूफ भी हो जाता है ये, लेकिन प्रूफ बाद में करेंगे, अभी नहीं. ओके अभी याद कर लीजिए. सर प्रोडक्ट और डिवीजन का रूल बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है. मैं अभी सिखा रहा हूँ ना. मतलब सिखाऊंगा ना बेटा, पहली बार है तो देखो दिक्कत तो होगा. मुझे दिक्कत इस बात, आपको रूल में दिक्कत है, मुझे प्रॉब्लम इस बात से कि आपने फॉर्मूला क्यों नहीं याद किया. ठीक है, वो करना है. फॉर्मूला याद करना कंपलसरी है बेटा. प्रोडक्ट रूल सबको ध्यान. प्रोडक्ट रूल क्या होता है? प्रोडक्ट रूल का मतलब है जैसे कि अगर आपका वाई है टू इंटू वी, है ना, दो एक्स के दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट है जिसका डिफरेंशिएशन आपको पता है, v. तो u इंटू वी है, इसका हो जाता है क्या, देख लो, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन. ध्यान से सुनना, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकेंड मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? इसको फर्स्ट लेना तो इसको ले लो, इसको लेना सेकेंड ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि u इंटू वी, v इंटू यू सब बराबर होता है. यहाँ dy by dx क्या हो जाएगा? dy by dx हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन कौन सा है? U है, यानी कि du by dx into second function. सुनो मैं रूल्स पे, आप क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर होगा. into second function बिना डिफरेंशिएट किए, into second function. अब उल्टा करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट, दैट इज u इंटू dv by dx, u इंटू dv by dx. ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v प्लस यू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वी. अब तुम इसको बाद में लिखो, इसको पहले लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? मल्टीप्लिकेशन इज कॉमिटेटिव, दिस इज सिंपल मल्टीप्लिकेशन, है ना? वेक्टर का कोई डॉट या क्रॉस नहीं है. डॉट में भी आपका कॉमिटेटिव होता है, क्रॉस एंटी कॉमिटेटिव होता है, है ना? वेक्टर में होता है, वो आपको अभी नहीं पढ़ना है, आप आईटी में जब जाएंगे तब पढ़ेंगे, समझे? वेक्टर कैलकुलस, व्हेन यू विल गो टू आईटी देयर यू विल स्टडी वेक्टर कैलकुलस, है ना? वेक्टर के कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे. यही सब रूल्स इसी तरह से होते हैं, लेकिन वहां वेक्टर के फॉर्म में होता है, तो वो हमें नहीं करना है. ठीक है, हमारे सिलेबस का नहीं, वो आप बीटेक में पढ़ोगे. ठीक है बेटा, चलो इसको रूल है. इस रूल में क्या क्या हमने, इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, सेकेंड को बिना डिफरेंशिएट किए, यानी कि डी यू बाई डी एक्स इंटू वी प्लस यू डी एक्स. गया दिमाग में, बैठ गया? कह रहे सुजल सर, आप बोलो बेटा. सर इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, डी बाई डी एक्स इंटू यू वी प्लस डी बाई डी एक्स इंटू वी यू. बात नहीं बेटा, लिखा है वही लिख सकते हैं, है ना? है ना? यही लिखना है. ठीक है, ये ट्वेल्थ में मैं प्रूफ भी कराऊंगा इसको, है ना? अभी नहीं है. याद हो गया? हेलो अर्पे, याद हुआ? यस सर.
ओके देव हाँ सर सुजल यस सर चलो आप दो तीन क्वेश्चन इस पे देखो फिर आपको मैं दूंगा इस पे करने के लिए दूंगा प्रोडक्ट पूरा डिविजन रूल पे क्वेश्चन एक ही बार दूंगा मैं और लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग चेन रूल थोड़ा डिफिकल्ट है बट सबसे इम्पोर्टेंट वही है ना ये सब तो जल्दी सीख भी जाते हो चेन रूल जो है हर जगह चेन रूल यूज होता है ओह कम ऑन देखो एग्जांपल देखो इस पे इसको मैं अप करता हूं ऊपर वाले को चेन रूल हम लोग पढ़ेंगे क्या हाँ चेन रूल पढ़ेंगे बेटा चेन रूल के बिना तो डिफरेंशिएशन होता है ना ओके वो तो भी बेसिक डिफरेंशिएशन होगा फॉर्मूला बेस्ड से चेन रूल लगाओगे तभी फॉर्मूला से हटकर डिफरेंशिएशन कर पाओगे मेन रूल वही है चेन रूल है ना जब तक आप सीख नहीं जाओगे फिजिक्स में मैं उस पर क्वेश्चन उतना नहीं दूंगा वैसे अभी आएगा भी नहीं है ना चेन रूल पे बाद में ही आएगा क्वेश्चन चलो देखो प्रोडक्ट रूल में क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल देखिए सब पढ़ना है ऐसा कुछ भी नहीं कि पढ़ना नहीं है y इक्वल टू x log log की जगह ln लिखो x ln अब ये देखो दो अलग अलग फंक्शन है ना दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट है कि नहीं है बोलो यस सर x अलग और ln यस सर है ना ऐसा नहीं है कि आप मल्टीप्लाई करके इसको अलजेब्रिक फंक्शन बना देंगे ऐसा नहीं है अलजेब्रिक अलजेब्रिक का मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई करके अलजेब्रा बना दोगे और वहां से निकल जाएगा लेकिन यहां नहीं हो सकता है अलजेब्रिक फंक्शन दिस इज अलजेब्रिक फंक्शन या पॉलीनोमियल फंक्शन है और दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शन लॉगरिथम आ गया तो भाई यहां तो कुछ नहीं हो सकता अब आपने x ln x का डिफरेंशिएशन कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो क्या करोगे प्रोडक्ट रूल लगाओगे यहां प्रोडक्ट रूल लगाओगे पहला फंक्शन यहां पे u क्या हो गया बेटा u हो गया x और v क्या हो गया मेरा बेटा ln x हो गया ln x है ना अब मैं देखो एक ही बार में करेंगे हम लोग समझाने के लिए मैं आपको अलग अलग स्टेप बता रहा हूं है ना एक बार जब आपको याद हो गया तो एक लाइन में सीधे लिख देंगे हर एक डिफरेंशिएशन सिंगल लाइन में होता है अब देखो dy by dx क्या होगा dy by dx होता है du by dx into v plus u into dv by dx तो हमें क्या निकालना है du by dx निकालना है और dv by dx निकालना है बताओ du by dx क्या हो जाएगा du by dx कौन बता du by dx बताओ अर्पित वन वेरी गुड है ना वन होगा सेम चीज का डिफरेंशिएशन सर हाँ dx by dx ऐसे भी कह सकते हो या x to the power n भी लगा दोगे तो भी x to the power 1 है तो 1 into the power 1 minus 1 ऐसे भी हो जाएगा या आप डायरेक्ट रूल याद रखो कि dx by dx या dy by dy जो भी होता है वो जाता है सेम चीज का डिफरेंशिएशन सेम चीज के रिस्पेक्ट में है ना 1 हो जाता है सर हाँ बोलो तो dv upon dx भी 1 होगा बेटा क्यों होगा 1 dv by dx 1 क्यों होगा dv v कौन है ln x है ln x का ln x के में तो नहीं कर रहे हैं डिफरेंशिएट अब फॉर्मूला नहीं याद करोगे तो यही दिक्कत होगा बताओ ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 by x होता है तो v क्या है मेरा बेटा है ना v क्या है ln x है यानी कि आप अगर du by dx को लिखोगे तो क्या लिखोगे u by dx को ऐसे लिखोगे ना dx by dx तो ये तो 1 हो जाएगा लेकिन अगर आप dv by dx लिखेंगे dv by dx तो ये क्या हो गया ddx of ln x और ln x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है ln x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 by x होता है बेटा ये 1 by x ही ना आएगा जो होगा वही तो आएगा तो ये फॉर्मूला याद रखना है देखो हम अपने मन से थोड़ी कि कुछ भी लिख देंगे वही फॉर्मूला हो जाएगा सीधी सी ना मैथ है ना मैथ में क्या रूल होता है मैथ में होता है सॉल्व करो रिजल्ट निकालो ये तो ये होता है कि जो मन लिख दो वही आंसर हो जाएगा ऐसे है अगर ऐसा होता तो मैं 2+3 को मैं लिख देता क्या लिख देता 2+3 को मैं लिख देता गुलाब जामुन क्या लिख देता मैं गुलाब जामुन और ये आंसर हो जाता है ना नहीं हो जाता गुलाब
जामुन क्यों भाई? 2+3 करो तो आंसर क्या आएगा? गुलाब जामुन आएगा। क्यों? ऐसा नहीं कि हम कुछ भी लिख देंगे तो आंसर हो जाएगा। रूल्स के करते हैं और रूल्स याद होने चाहिए। तो एलएक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 1/x होता है। ये याद रखना है मेरा बेटा। अब हम लगा देंगे dy/dx है ना। देखो इतना आपको लगे, इतना सारा स्टेप है, कुछ नहीं है, एक ही लाइन में करते हैं, डायरेक्ट मन में रखते हैं सब कुछ। dy by dx में कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो dy by dx क्या हो जाएगा? dy by dx का मतलब dy को हमने मान लिया था, y को हमने मान लिया था u into v, so that is ddx of uv। ddx of uv का फॉर्मूला क्या है? ये है। ये सब कुछ भी स्टेप नहीं लेना है, ये सब बस समझाने के लिए बता रहा हूं। du by dx into v plus u into dv by dx, ये होता है। अब वैल्यू रखो du by dx, du by dx क्या हो गया? 1 हो गया। into v, v क्या हो गया? lnx, lnx हो गया। प्लस u, u क्या हो गया? x into 1/x, 1 हो जाएगा सर, into 1/x। तो मेरा बेटा क्या 1 आ जाएगा, यानी कि क्या आ गया? lnx प्लस 1 आ गया। इज दैट क्लियर? lnx प्लस 1 आ गया, समझा? अभी lnx प्लस 1 का क्या मतलब है? दिस इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, एंड दिस इज ऑल्सो स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसके ऊपर द ग्राफ ऑफ y ऑन द ग्राफ ऑफ x lnx, x lnx का ग्राफ बनाएंगे तो उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आएगा। ग्राफ कैसे बनेगा आगे पढ़ेंगे। तो सर ये फाइनल आंसर हो गया। हाँ ये फाइनल आंसर हो गया, लेकिन अभी इसमें कुछ और भी पूछ सकता है। कह सकता है कि फाइंड dy by dx मान लो एट x इक्वल टू 1, ऐसे कह दिया। अब आप क्या करोगे? पहले हमेशा याद रखो, सोच के बोलेंगे बेटा। टू ही तो होगा सर, टू होगा, टू होगा। ln1 क्या होता है? ln1 बताओ क्या होता है सर। log1 क्या होता है? भूल गया, अगर मैं x इक्वल टू 2 रखूंगा तब क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 2 रखूंगा तब क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, मैं इसी में कर रहा हूँ। अगर मैं x इक्वल टू टू रखूंगा तो हो जाएगा 2+2। अच्छा अगर मैं x इक्वल टू ई रखूंगा तो क्या हो जाएगा? ln e प्लस ई। और ln e का मतलब क्या है? ln e का मतलब है log ऑफ e टू द बेस e। log ऑफ e टू द बेस e क्या होगा, जल्दी बताओ? 1। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा x इक्वल टू ई पे? 1+e। इज दैट क्लियर? ये सब सर, ln 2 प्लस 2 कहां से है? ln 2 x इक्वल टू ना मेरा बच्चा। यस सर। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, क्या मैं ln नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, आई एम सॉरी सॉरी। 2 कट जाएगा ना सर, 1 हो जाएगा। ना ना 1 है ना वहां। एक मिनट, आप क्या था? ln x प्लस 1 आया था, मैंने ln x प्लस x कर दिया था, सब गलत कर दिया है ना। चलो एक मिनट, है ना, मैंने वहां देखा नहीं इसीलिए गड़बड़ हुआ। देखो देखेंगे नहीं तो मुझसे भी गड़बड़ होगा। चलो यहाँ समझ गया ना, इसको अभी मत लिखो, ये रफ कर दे, मुझे जगह चाहिए थोड़ा। चलो ये समझ गया ना। अब देखो अब मैं अलग अलग वैल्यू निकाल रहा हूं उसी क्वेश्चन के लिए। एट एक्स इक्वल टू 1 डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी ln x प्लस 1, यानी कि ln 1 प्लस 1। मैं यहाँ x रखा था इसीलिए गड़बड़ हो गया है ना। तो ये क्या हो गया? 1 हो गया। अब देखो एट एक्स इक्वल टू 2 तो डीवाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ln 2 और प्लस 1 है ना, तो प्लस 1 ही रहेगा, यही आंसर हो गया। एंड एट एक्स इक्वल टू ई क्यों लिया? ई थोड़ा इस पे आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू ई तो एक्स इक्वल टू ई पे क्या आ जाएगा? ln ई नहीं आएगा मेरा बेटा, वो तो गलत कर दिया था ना। ये हो जाएगा ln e प्लस 1। ln e का मतलब, ln का मतलब log e टू द बेस e प्लस 1, ये भी 1 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1 दैट इज
टू हो जाएगा। अब ठीक है? अब ठीक है ना? यस सर। हाँ समझ गया ना, चलो। हाँ वहां पे मैंने गलत लिख दिया सर, वो डाउट था सर हमको। किसमें? मतलब जो जैसे एल एन ई लिखते हैं, एल एन कुछ भी रहेगा तो वो पावर बेस भी वही हो जाएगा। बेस बेटा ई होता है ना, बेस कहा टू है, बेस टू कहा है, बेस तो ई है। इसको आप एल एन टू को क्या लिखते हैं, एल एन कब लिखते हैं बताओ, लॉग है ना, बेस ई के लिए एल एन लिखते हैं ना, तो बेस वही कैसे हो जाएगा, यहाँ ना हो गया क्योंकि यहाँ ई है। बेटा एल एन का मतलब बेस क्या है पहले ये बताओ। ई है सर। ई है तो मैंने कहा यहाँ तो बस एल एन टू लिखा है, एल एन टू का मतलब क्या हुआ, एल एन टू का मतलब हुआ लॉग ऑफ टू टू द बेस, बेस टू कहाँ हो गया, मैंने कहा लिखा था बेस टू हो जाता तो ये वन नहीं हो जाता। यस सर। अगर यहाँ पे बेस टू हो जाता तो लॉग टू टू द बेस टू वन हो जाता ना। हाँ सर। हाँ सर। तो वही कैसे हो जाएगा बेस। यस है ना, यहाँ तो मैंने यही बोला, यही फाइनल आंसर है आपका एल एन टू प्लस वन। और यहाँ भी बेस वन तो नहीं है, बेस तो ई है हर जगह, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ log of x to the base e plus 1, समझा। ln तो मैं उसका लिखने का। सर वही डाउट था, क्लियर हो गया। हाँ बिल्कुल क्लियर होना जरूरी है सर, है ना। बोलो सर, जो आपने लिखा ना ln x plus 1। हाँ सर, ln x को हम 1 upon x नहीं लिख सकते हो? ln x को 1 by x लिखते हैं कि differentiation x लिखते हैं। अच्छा ठीक है, तो समझ गए। ln x को कहां पढ़ लिया 1 by x, है ना बेटा। ln x का डिफरेंशिएशन होता है ना 1 by x, d dx of ln x, ये होता है 1 by x। डिफरेंशिएशन एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन लगेगा तब ना 1 by x होगा। ln x का रेट ऑफ चेंज होता है 1 by x। यहां आया ना v का, v क्या था, v देखो क्या था, यहां देखो v ln x है। कई बार बच्चे कर कई बार बताते हैं, देखो मैं देता हूं y equal to sin x है, इसको डिफरेंशिएट करो तो यहीं पे बच्चे लिख देते हैं cos x, कैसे हो जाएगा भाई cos x, y equal to cos x थोड़ी है जो हुआ, equal to कर दिया, dy by dx है cos x, दोनों अलग चीज है, समझ रहे हो? Yes sir। y और dy by dx अलग है, e to the power x में दोनों सेम हो जाता है, e to the power x का डिफरेंशिएशन e to the power x आता है, ये भी प्रूफ कर लोगे, है ना, जब आओगे 12th में करोगे प्रूफ, 12th में की सॉरी मैं बार बार 12th बोल रहा हूं, 11th में ही करोगे, है ना, 11th में आपका चैप्टर है इंटीग्रेशन, तो डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है उसमें आप करोगे। चलो डिफरेंशिएशन चैप्टर आपको 11th में ही पढ़ना है, तो 12th में भी पढ़ना है 11th में भी पढ़ना है, दोनों जगह। चलिए प्रोडक्ट रूल क्लियर हुआ। सुजल इज द प्रोडक्ट रूल क्लियर? यस सर। देव? यस सर। पीयूष? यस सर। अर्पित? यस सर। ठीक है, देखो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ ठीक है, अभी फॉर्मूला सामने लेके बैठो, मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ आज हो जाएगा, पर अभी तो फॉर्मूला सामने में लेके बैठो। सर 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 क्या एग्जांपल का मिल गया? अच्छा ठीक है, कर लो। देखो मैं हमेशा dy by dx इक्वल टू लिख रहा हूँ, y इक्वल टू नहीं है, y तो अलग चीज है, तो dy by dx, dy by dx, dy by dx आपका क्या था, ln x plus 1 था, ये हो जाएगा ln e plus 1, और क्या लिखते हैं log e to the base e, ln 2 क्या है log 2 to the base e, ln x का क्या मतलब हुआ log x to the base e, आप इसको चाहो तो लिख लो, है ना। ये होता है आपका 1 by x, ln x is not equal to 1 by x, ln x क्यों हो जाएगा 1 by x, d dx of ln x is equal to 1 by x, जब डिफरेंशिएट करते हैं तब 1 by x आता है, समझा, ये चीज ध्यान रखोगे आप लोग, ऐसे कंफ्यूज मत होते रहना सर। हाँ बोलो सर, अब दो फॉर्मूला ये प्रूफ करवाए थे और बाकी सब प्रूफ करवाना है क्या, मतलब कौन सा प्रूफ कराए थे, ये डी डी बाय डी डी एक्स
वो भी प्रूफ नहीं कराया है, कैसे करेंगे प्रूफ, अभी करा ही नहीं सकते हैं प्रूफ, उसके लिए आपको लिमिट पढ़ना पड़ेगा, लिमिट पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाया ही नहीं है है ना? नहीं सर, एग्जांपल था एक्चुअली, एग्जांपल दिया था मैंने, प्रूफ नहीं कराया था, सॉरी सर गलती से देख लिए थे, कोई बात नहीं, चलो प्रूफ में क्या करूंगा बेटा, उसको प्रूफ कराने के लिए जो चीज पढ़ना है वो आपने पढ़ा ही नहीं अभी तक है ना, मैं चाहूं अभी पढ़ा सकता हूँ ना, कि वही अभी दो तीन हफ्ता वही चलता रहेगा, तो सिलेबस को लाइन पे लेके चलना है ना, ऐसे तो नहीं कुछ भी कहीं भी पढ़ा, इसकी जरूरत इसलिए आ रहे हैं है ना, समझे इसकी जरूरत है इसीलिए इसको पढ़ा रहे हैं, वरना कैलकुलस हमको बेसिक के अलावा हमें कैलकुलस की और कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल, जब पड़ेगी उससे पहले आप पढ़ चुके होंगे, इसीलिए अभी बेसिक पढ़ रहे हैं हम लोग, बेसिक में मैं बहुत कुछ बता दूंगा अभी है ना, बहुत कुछ यहाँ पे डिस्कस हो जाएगा, चलो यहाँ तक हो गया, इज दिस क्लियर? यस सर, चलो अच्छी बात है, आइए आगे बढ़ते हैं, डिवीजन रूल, डिवीजन का या कोसेंट का, कोसेंट वही होता है, ओके डिविजन रूल या कोसेंट रूल, इसमें क्या होता है समझो, ध्यान, अगर आपका वाई है टू डिवाइडेड बाई वी, वाई इक्वल टू यू बाई वी, तो यहां क्या हो जाएगा, इफ वाई इक्वल देन इन दिस केस दिस इंप्लाइड डीवाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डीवाई बाई डी एक्स, यहां भी से डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ध्यान से सुनो, पहले वाले ऊपर वाले को फर्स्ट मतलब न्यूमरेटर, यहाँ किसको फर्स्ट लोगे, न्यूमरेटर को फर्स्ट लोगे, वहां तो दोनों यू या वी है, वी यू है, कोई भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन लोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर, मैं लिख देता हूँ है ना, वही डी डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन ही होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या है U है, अब अगर न्यूमरेटर में V रहेगा तो V कर लोगे, जो भी रहेगा न्यूमरेटर में, समझ रहे हो ना मेरी बात, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर करोगे, सो डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर है ना इनटू डिनोमिनेटर, ऐसे लिख दो डी यू बाई डी एक्स इंटू डिनोमिनेटर डेट इज V, माइनस करते हैं यहां, यहां क्या करते हैं माइनस करते हैं, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन, तुम न्यूमरेटर पहले लिखो बाद में लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज डीवी बाई डीएक्स होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये करना मत भूलना, होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला, ओके दिस फॉर्मूला ऑल्सो वी विल प्रूव इन 11 इटसेल्फ, 11 में ही प्रूव होगा जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे है ना, वो चीज, चलो पर मैं आपको कैलकुलस अब तब पढ़ाऊंगा जब मैं शुरू करूंगा तो पूरा 12th तक का कैलकुलस खत्म कर दूंगा, ठीक है, उससे पहले हम 11 पूरा खत्म कर चुके, यहां देखिए u बाई वी सो डीवाई बाई डी एक्स एक्स वी माइनस यू इंटू डीवी बाई डी एक्स इंटू वी स्क्वायर, क्लियर है बेटा, समझाइए, बोलो बच्चों क्लियर, यस सर क्लियर है सर, यस सर, इसमें क्या है मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दिमाग में बैठाओ, वाई अगर आपका यू बाई वी के फॉर्म में दिया है, यू बाई वी के फॉर्म में दिया है, जहां पे आपको यू और वी का डिफरेंशिएशन आता है करना है, तो
डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर करोगे डी यू बाई डी एक्स इंटू डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, ये काम करेंगे माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करके नीचे वाला मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नीचे वाले को डिफरेंशिएट करके ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर एंड होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये रूल ऐसे अच्छे से लिख लिख के याद करोगे आप लोग, मैं आज शाम को ये भी सुनूंगा, याद रखो सिर्फ फॉर्मूले नहीं रूल्स भी सुनूंगा और पूरा है। रखना शुरू कर दो रूल्स वगैरह फॉर्मूले वगैरह। एग्जाम्पल देखो मेरा बेटा, एग्जाम्पल देखो, इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए एंड देन वी विल गो टू चेन रूल। एग्जाम्पल जैसे देखो, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब आप कहोगे सर इसका तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स टेन एक्स हो गया, और टेन एक्स का आपने फॉर्मूला बताया है sec स्क्वायर x, बताया है ना डिफरेंशिएशन? यस सर। तो वो देखो यहां से भी प्रूफ होकर आ जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है? अगर आपको sin x और cos x का प्रूफ करना आता है तो tan x का करने की जरूरत नहीं है, बस यहां से रूल से प्रूफ हो जाएगा, समझे? तो वो चीज है। यहां पे आपका u क्या हो गया, एक दो एग्जांपल में और खुद से करता हूं फिर आपको बताऊंगा। sin x u हो गया सर। sin x को u मान लो, u को मान लो sin x, cos x को v मान लेते हैं, और v मान लो cos x। तो बेटा अगर u है sin x तो du by dx क्या हो जाएगा? sin x का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है, ये हो जाएगा cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x, so dv by dx हो गया minus sin x। आप देखो फॉर्मूला में यूज करो बेटा, therefore dy by dx ये u by v है, u ये हो गया v ये हो गया, ये हो जाएगा आपका du by dx into v minus u into dv by dx and whole divided by v का square, ये हो गया। तब जरा यहां फॉर्मूले में रख देते हैं, फॉर्मूले में रख देते हैं बच्चों। तो फॉर्मूले क्या रखेंगे बेटा, du by dx क्या हो गया मेरा बेटा, cos x हो गया। देखो ट्राइगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, नहीं तो आप कर सकते हैं बिना फॉर्मूले के भी, लेकिन करने तो अच्छा है। क्या देखो यहां cos x हो गया, du by dx क्या हो गया, cos x हो गया into v, v क्या है cos x, तो cos x into cos x, माइनस कर दो, माइनस कर दो, क्या कर दोगे यू, यू क्या है मेरा बेटा यू एक्स, यू कहा, हाँ सॉरी साइन एक्स है, साइन एक्स, और डीवी बाई डी एक्स, डीवी साइन एक्स माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई कर दो, और डिनोमिनेटर क्या है वी, वी क्या है कॉस एक्स, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स वन होता है, वन हो जाएगा वन बाय कॉस, और ये वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या आ गया ये sec स्क्वायर एक्स। इतना करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, यहाँ तो सीधे आपको दिख रहा है कि tan x है तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स, बस मैंने समझाने के लिए कर दिया कि देखो ऐसे भी करेंगे तो सेम आएगा, समझा? क्लियर है ये सभी को? इज दिस एग्जांपल क्लियर? बताइए। यस सर। ओके चलो इसको नोट कर लो, फिर मैं और एक आध क्वेश्चन और समझा के फिर आपको, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, इतना लिखूंगा नहीं यू वी, आपको जैसे करना है करना, ठीक है? एक दो एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल मैं लेता हूं, उसका मैं जो आपको क्लास वर्क देता हूं करने के लिए।
नोट करो श्री राम जय 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 राम हो गया इज दिस डन यस सर 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 बोलो बोलो जैसे यहाँ जैसे हम लोग साइन थीटा ले तो थीटा एंगल है तो यहाँ पे एक्स एंगल है ऑब्वियसली बात है ये सब ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करेंगे साइन कॉस किसका ले जाता है एंगल का ले जाता है एक्स इज रिप्रेजेंटिंग एंगल है ऑब्वियसली यस सर है ना एंगल भी तो रियल नंबर्स में होते हैं सर एंगल भी तो नंबर होते हैं रेडियन में होते हैं ना यस सर यस सर डिग्री अलग अलग तरीका है लेकिन रेडियन में जो होते हैं रियल नंबर टर्म्स में ही तो होते हैं हाँ तो एंगल आप कह सकते हैं बिल्कुल कह सकते हैं यहाँ पे जो x है x जो वेरिएबल है वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है समझे एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है बिल्कुल कह सकते हैं चलो देखो जो मैंने अभी तक पढ़ाया यहीं तक आएगा टेस्ट में चेन रूल अगर मैं डिस्कस भी कर लेता हूं तो वो नहीं हो पाएगा डिस्कस टाइम कम है आप लोग कुछ क्वेश्चंस करो मैं दो क्वेश्चन मैं बता देता हूं उसके बाद आपको दूंगा मैं अभी थोड़ी देर में आपको असाइनमेंट भेज रहा हूँ इस पे है ना क्वेश्चन भेज रहा हूँ क्लास आपकी 1:30 पे खत्म होगी तो मैं भेज दूंगा जल्दी ही भेज दूंगा अगर अभी हुआ तो अभी भेज देता हूँ है ना आप लोग क्वेश्चन करो मैं व्यवस्था करता हूँ लेट मी सी दिस चलिए मैं एक दो एग्जांपल दिखाता हूँ आपको Find dy by dx if ये दो मैं आपको करके दिखा रहा हूं y equal to x log x by e to the power x x log x by e to the power x अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल एक साथ लगेगा दिख रहा है यस सर ऊपर वाले के लिए प्रोडक्ट रूल लगेगा और इस डिवीजन रूल लगेगा है ना तो अगर मैं यहाँ पर आप थोड़ा सा ऐसे अलग से थोड़ा करने की कोशिश करो इसको यू मान लो यू किसको मान लोगे एक्स लॉग एक्स और वी किसको मान लोगे ई टू द पावर एक्स अब मैं अगर मैं डीयू बाई डी एक्स करता हूँ देखो डीयू बाई डी एक्स तो du by dx में अब आपका ये कुछ हो जाएगा u1v1 हो जाएगा u1v1 तब इतना लिखने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट करो है ना क्या पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन याद करो प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा जल्दी बताओ 1 हो जाएगा 1 लिख दो इनटू सेकंड फंक्शन तो डायरेक्ट करना है डिफरेंशिएट नहीं करना है log ln कह दो ln है ना x लिखो ln x है ना नेचुरल वाला ही लिखो तो x
ln x. मैथ्स में भी ऐसे लिखा रहता है, वन बाय एक्स लेके चलते हैं कोई, है ना. फिजिक्स में तो लॉग बोलो ln बोलो एक ही चलता है, मैथ्स में यहाँ पर ऐसे लिखना ज्यादा बेटर है. तो u इक्वल टू x ln x, है ना, यहाँ भी लिख दो ln ही लिख दो, that is more appropriate. log के टर्म में थोड़ा अलग हो जाता है, बाद में बात. हाँ बिल्कुल सही. तो ये हो गया, तो x x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 into ln x. प्लस प्लस करते हैं फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को यहाँ x करो और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, दैट इज 1. देखा, कुछ भी मानने का जरूरत नहीं है. 1 क्या हो गया, ln x plus 1 हो गया, यानी कि du by dx ये हो गया. और dv by dx क्या हो जाएगा, dv by dx हो जाएगा e to the power x, क्योंकि e to the power x का डिफरेंशिएशन e to the power x ही होता है. अब क्या करोगे यहाँ पर, अब आप लगा दो, therefore dy by dx. अब मन में ही सोचो, है ना, इतना बार बार लिखने की क्या जरूरत है, मन में ही करिए. dx सबको ध्यान देना, बिल्कुल नजर गराए रखिए बोर्ड की ओर बेटा, सबको नजर बोर्ड की ओर गराए रखिए. और सब आपको टाइम दूंगा समझने के लिए, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है x ln x by e to the power x. तो रूल क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर, याद आ रहा है, डिफरेंस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर. तो डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो ये मतलब x ln x u का डिफरेंशिएशन. तो क्या हो गया, ये हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस ln x into denominator that is e to the power x minus 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 क्या हो जाएगा, numerator minus numerator, numerator क्या हो गया, ये x into ln x into differentiation of denominator. तो e to the power x का differentiation e to the power x हो जाता है, तो into e to the power x and whole divided by denominator का square, whole divided by denominator का square, that is और नीचे हो गया आपका होल स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, एल एन एक्स यहाँ कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस ln x ऐसे लिख दो, 1 प्लस 1 माइनस x इनटू ln x एंड होल डिवाइडेड बाय e टू द पावर x. इज दैट क्लियर, समझा, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर, बस यही है फाइनल आंसर, समझा, देख लो अच्छे से, टेक टाइम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. समझ में आया बेटा, कहीं पे डाउट हो तो पूछ लेना, देख लो अच्छे से सारे स्टेप को, फॉर्मूला याद रखोगे, फॉर्मूला हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, यहाँ पे क्या लगाया, यहाँ पे हमने लगाया प्रोडक्ट रूल u को डिफरेंशिएट करने के लिए, और यहाँ क्या लगा दिया, डिवीजन रूल, डिवीजन रूल पूरे पे लगा दिया. तो डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर वो यहाँ आ चुका है, ln x plus 1, तो ln x plus 1 into denominator, that is e to the power x, minus करते हैं, minus करते हैं, numerator, that is x ln x, into differentiation of denominator, that is e to the power x, whole divided by denominator का square. सिंपल है, अगर फॉर्मूला है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर हाथ पैर पटकने से कोई फायदा नहीं है, चाहे आपको फॉर्मूला प्रूफ भी करना आता हो तो भी कोई फायदा नहीं है, समझे, इतना टाइम तो नहीं होता कि प्रूफ करोगे, है ना, तो याद कर लीजिए. क्लियर है, बताओ, कम ऑन अर्पित, यस सर, पीयूष, यस सर, देव, यस सर, सुजल, यस सर, क्लियर है ना बेटा, कोई अगर मन में क्वेरी है तो पूछो इस पे, आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट, आस्क द क्वेश्चन, मन में कोई दुविधा है जरूर पूछ लीजिए.
हो गया। कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को या मैं दूं क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन पूछना है या मैं दूं क्वेश्चन बेटा? बोलो सर, क्वेश्चन दे दीजिए। हाँ क्वेश्चन मैं देता हूं। ये समझ गया ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलो फिर मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आप लोग पहले उसको करो। लीजिए क्वेश्चन लीजिए। पहला नंबर, फाइंड डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। You have to differentiate the following with respect to X. Differentiate the following with respect to X. पहले नंबर पे Y equal to e to the power X साइन एक्स। दूसरे नंबर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। तीसरे नंबर पे वाई इक्वल टू साइन एक्स वाई एक्स। चौथे नंबर पे y इक्वल टू e टू द पावर x, x इंटू e टू द पावर x बाय ln x। पांचवें नंबर पे y इक्वल टू ln x by x। चलो ये पांच ही करो, आप बहुत है क्लास में, इतना ही कर लो, है ना? करो इसको, ये पांच को मैं अभी थोड़ा देर और पढ़ाऊंगा, 15 मिनट और पढ़ाऊंगा कम से कम। इसको जल्दी से करके दिखाइए, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, उसका 15 मिनट और पढ़ाऊंगा। एक टॉपिक मुझे और टेस्ट। इसको क्या हो गया?
बन गया एक मिनट, हाँ करो जल्दी करो। हमें एप्लीकेशन जो है, जैसे है ना बेटा, मन में होता है क्या एप्लीकेशन है, क्यों पढ़ रहे हैं। बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे हमने एप्लीकेशन देखा है, रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं, दीज आर ऑल्सो द एप्लीकेशन। और भी एप्लीकेशन है, तो रेट ऑफ चेंज और स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये दो चीज तो आपको पता है, दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशन, एक दो एप्लीकेशन अभी हम लोग जानेंगे, है ना। एक दो एप्लीकेशन मैं अभी आपको बताऊंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बियॉन्ड दैट। जल्दी करिए, सबको कर लीजिए, फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा, देखना विद इन टू मिनट सारा मैं बता दूंगा करके, और आप लोग चेक कर लेना। हो गया बेटा, बच्चों कम ऑन टेल मी, कम चलो, पहला तो सबने कर लिया है, लास्ट वाले पे। हाँ तो ठीक है, मैं करता हूँ फिर, यहां से डीवाई बाई डी एक्स क्या आएगा, आप लास्ट पे करिए, मैं यहां कर रहा हूं डिफरेंसेस ऑफ फर्स्ट फंक्शन पावर एक्स का डिफरेंशिएशन e टू डी पावर एक्स, है ना, इनटू डिफरेंट इनटू सेकंड फंक्शन इनटू साइन प्लस फर्स्ट फंक्शन दैट इज e टू डी पावर एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स दैट इज कॉस एक्स, यानी कि ये हो गया e टू डी पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कोई दिक्कत, सबको देख लो, हाँ जी। सेकेंड एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, पहला फंक्शन किसको लेंगे, एक्स स्क्वायर को, है ना, एक्स स्क्वायर एक्स टू डी पावर एन जैसा है ना मेरा बेटा,
तो यहाँ पर dy by dx क्या हो जाएगा, y by dx, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन का 2x into second function, that is cos x minus, sorry, plus क्या हो जाएगा x square first function into different function, that is minus sin x. तो मैं इसी माइनस को यहां लिखने रहा था, वो इन सेकेंड स्टेप में लिख देंगे, x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन ले लीजिए, क्या लिखेंगे, नहीं भी लेंगे कॉमन तो भी चलेगा, 2 cos x माइनस x sin x, ये आ गया. इसको देखो तीसरा नंबर देखो, सब एक एक लाइन में है ना. अब इतना मानना नहीं है किसी को, हमें बड़ा होगा तो भले ही मान के कर लें, या उसमें भी एक ही लाइन में कर दो तो अच्छा, अगर कर सकते हो तो है ना. जैसे यहां भी मैं एक ही लाइन में करके दिखाऊंगा, साइन एक्स बाई एक्स, तो डिविजन रूल लगेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन, दैट इज एक्स कॉस एक्स इंटू एक्स, माइनस माइनस फर्स्ट फंक्शन दैट इज साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू वन डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर. तो ये हो गया x cos x, ऐसे लिखने में आराम से लिखा जाता है, माइनस sin x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. अगर आप इसको तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ भी सकते हैं, ऐसे लिख दो, cos x by x माइनस sin x by x स्क्वायर, अगर इच्छा है तो, जैसा ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से देख लेना, है ना. चलो इसको करते हैं, नंबर x into e to the power x. पहले क्या करेंगे, देखो ये डिविजन रूल लग रहा है ना, न्यूमरेटर, हाँ न्यूमरेटर में लगेगा प्रोडक्ट रूल, और डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लगे डिविजन रूल. तो पहले ध्यान से सुनो, इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर मतलब इसको डिफरेंशिएट कर, पहले तो बड़ा सा ये लाइन बना दो, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर मतलब x into e to the power x का डिफरेंशिएशन. तो न्यूमरेटर में इसको मत देखो, सिर्फ इस पे नजर रखो, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन पे. तो ये x का क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन हो गया x और सेकंड हो गया e to the power x. तो डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, पहला का x का हो गया 1 e to the power x, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ऊपर ही लिखूंगा e to the power x प्लस प्लस फर्स्ट फंक्शन दैट इज x into डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power x. That is e to the power x. तो यही आ जाएगा, ये डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर, दैट इज ln x, और माइनस माइनस न्यूमरेटर, दैट इज x into e to the power x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज 1 by x, है ना. ln x का डिफरेंशिएशन 1 by x, और होल डिवाइडेड बाय ln x का स्क्वायर, ln x का होल स्क्वायर. तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा e टू दी पावर x कॉमन आ गया, e टू दी पावर x कॉमन आ गया, 1 प्लस x इंटू एल एन x, है ना, ये आ गया. और यहां से ये कट गया, माइनस e टू दी पावर x, देख रहा है, पूरे मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर दो, ना ना कटेगा नहीं, ठीक है चलो, e टू द पावर x, मुझे लगा कट रहा था, 1 प्लस x इंटू एल एन x माइनस e टू द पावर x. आप चाहो तो e टू द पावर x और कॉमन ले लो, डिवाइडेड बाय एल एन x का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एल एन x का होल स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर x पूरा कॉमन ले लो, तो ऊपर क्या बच जाएगा, है ना, जाएगा ln x प्लस x ln x माइनस 1, है ना, ln x का होल स्क्वायर, है ना. ऐसे भी छोड़ सकते हो, लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला इसके लिए, ये तो dy by dx, इसमें क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 by x into सेकंड फंक्शन x माइनस ln x into 1, x का differentiation 1 divided by x square. तो ये क्या हो गया, 1 minus ln x by x square. सबका सही है,
सारा सही किए हो बेटा? यस सर, बट सर फिफ्थ वाले में माइनस क्या था, क्या किया सर वो समझा दीजिए। कहाँ मेरा बच्चा? फोर्थ वाले में, सॉरी फोर्थ वाले। फोर्थ वाले में क्या चीज बताओ? माइनस के बाद क्या चीज का डिफरेंशिएशन लिया हम लोग वहां पे? जिसका होता है मेरा बेटा, देखो पहले मैं फिर से समझा रहा हूँ। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ में क्या है देखो, ये ध्यान दीजिएगा, x into e to the power x, ये न्यूमरेटर हो गया, ये न्यूमरेटर हो गया, और ये डिवीजन कहते हैं ln x डिनोमिनेटर हो गया। तो डिवीजन रूल में क्या होता है, डिवीजन रूल में यही ना होता है कि पहले हम किसका डिफरेंशिएशन करते हैं, पहले हम डिफरेंशिएशन करते हैं न्यूमरेटर का, पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, उसमें डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये न्यूमरेटर रहा इसका डिफरेंशिएशन किए, तो न्यूमरेटर में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा, तो x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 into e to the power x, तो e to the power x आ गया, और फिर फर्स्ट फंक्शन दैट इज x into डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power x, तो e to the power x का e to the power x ही होता है, तो e to the power x रह गया, है ना? तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर into डिनोमिनेटर दैट इज ln x, समझा ये? Yes sir। ये तो पहला ही रूल किए ना, पहला रूल, ये अभी क्या हुआ, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर, अब क्या करोगे, माइनस करोगे, माइनस क्या करते हो, माइनस करते हो न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो न्यूमरेटर क्या हो गया, न्यूमरेटर हो गया e to the power x, तो x into e to the power x into डिनोमिनेटर, पूरा फॉर्मूला याद करो। हाँ सर, हाँ सर, पूरा फॉर्मूला ये था ना, d dx of u by v, तो ये था du by dx into v minus u into d by dx, ये था unwhole divided by v का स्क्वायर। तो ये देखो, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है आपका du by dx, और ये क्या हो गया v, तो du by dx into v, फिर आया ये माइनस, ये माइनस आया इंटू यू, यू क्या है, ये रहा यू न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर हो गया x into e to the power x dv by dx, यानी कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन दैट इज 1 by x, समझा? यस सर। और होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज ln x का स्क्वायर, ये आ गया, क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है, देख लो अच्छे से, Is this clear to everyone? Yes, sir. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा और जानते हैं, थोड़ा सा और, 5-10 मिनट और, बस एक कॉन्सेप्ट सिखा दे, फिर आज यहीं पर रोक देंगे, फिजिक्स आधे घंटे बाद 12 बजे से शुरू करेंगे फिजिक्स, है ना? 12 से 1:30, दैट इज एनफ। देखो बेटा, यहां तक समझ गया मेरा बेटा, क्लियर है? यस सर। चलो अब मैं एक और चीज, देखो डिफरेंशिएशन के बहुत से एप्लीकेशंस होते हैं, यहां पर एक छोटा सा एप्लीकेशन सिखाने जा रहा हूं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, अगले क्लास में फिर से आगे बढ़ाएंगे इसको, मैथ्स का जो अगला क्लास होगा नेक्स्ट वीक में, है ना, ट्यूजडे के बाद। तो सर ये टेस्ट में आएगा? आएगा आएगा, बस 2 मिनट, ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी है, जो टफ रूल है वो नहीं सी। ये तो कहोगे सर आपने गिफ्ट दे दिया क्वेश्चन दे करके, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन के लिए डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव सब एक ही चीज है, अलग अलग तरीके से नाम है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव निकालना, कहेगा फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब डिफरेंशिएशन को ही डेरिवेटिव वर्ड भी कहते हैं, और भी तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, वो सब मैं अगले बाद में डिस्कस करूंगा, पहले रूल तो सीख लो तब रिप्रेजेंटेशन सीखना, है ना? देखो मेरा बेटा, 2 एप्लीकेशन तो आपको पता है, उस पर डिस्कशन मैं नहीं करने जा रहा हूं, टेंजेंट और रेट ऑफ चेंज, पता है कि नहीं पता है बोलो, पता है ना?
Differentiation gives instantaneous rate of change. मालूम है? बताइए, पहले ही क्लास में पढ़ा था. Yes sir. बेटा लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन का मीनिंग पढ़ा था. यही होगा. रिवाइज करते हो नहीं हो? मैंने लेक्चर भी फिर भी रिवाइज नहीं करते हो. रिवाइज करिए आप लोग. तो क्या मीनिंग पढ़ा था बेटा? कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. वाई जो भी होगा, एक्स जो भी होगा. अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, जैसे अगले क्लास, अभी अगले ही क्लास में आएगा डीवी बाई डी टी, ये क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये देता है एक्सेलरेशन. तो वाई की जगह पे वी आ गया, एक्स की जगह पे टाइम आ गया, एंड टाइम इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम, है ना. ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया. तो रेट ऑफ चेंज. और दूसरा था स्लोप ऑफ टेंजेंट. ग्राफिकल मीनिंग क्या है? ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इज स्लोप ऑफ टेंजेंट. वैल्यू कैसे मिलेगी? डिफरेंशिएट हमेशा फंक्शन को करोगे. किसको करोगे? फंक्शन को. डिफरेंशिएशन की वैल्यू डिफरेंशिएट करने के बाद रखोगे वैल्यू. पहले रख दोगे तब तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, है ना. वो होता भी नहीं एक्चुअली, करना गलत है. हमेशा डिफरेंशिएट किसको करते हैं? फंक्शन को. हमेशा फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, जो भी फंक्शन. अगर फंक्शन कॉन्स्टेंट है तो उसका डिजिट रहता है. तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में दो एप्लीकेशन आपको पहले से पता है, है ना. नेक्स्ट वीक में और हम लोग इस पे बात करेंगे. तीसरे एप्लीकेशन पे मैं आ रहा हूं, थर्ड एप्लीकेशन, है ना. इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नेचर. इंक्रीजिंग एंड बहुत आसान है, एक मिनट. डिक्रीजिंग नेचर ऑफ अ फंक्शन, है ना. ध्यान से सुनो, क्वेश्चन पूछूंगा इस पे, मैं पहले ही से बता रहा हूं, इसलिए मैं इसको एक्सटेंड करके पढ़ा रहा हूं क्लास में. इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नेचर ऑफ अ फंक्शन. इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? देखो, हम एक्स को हमेशा बढ़ाएंगे. एक्स को क्या करेंगे? हमेशा बढ़ाएंगे. अगर एक्स के बढ़ने पे वाई बढ़ रहा है, एक्स के बढ़ने पे अगर वाई बढ़ रहा है, तो उसको इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, या कहते हैं कि फंक्शन वहां इंक्रीज कर रहा है. और एक्स के बढ़ने पे वाई घट रहा है, तो हम क्या कहेंगे? फंक्शन डिक्रीज कर रहा है. समझ रहे हैं? बोलो, है ना. जैसे ये देखो, मैं ग्राफ बनाता हूं. ग्राफ बनाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा. सभी कोई ध्यान दीजिएगा, सामने इधर रहा एक्स, इधर रहा, अरे भाई सब सूख गया है, ये चलेगा, कोई नहीं, इंक डाल देंगे. देखो ये रहा एक्स, ये रहा वाई. और मैं एक ग्राफ बनाता हूं, देखिएगा. एक सेकंड बेटा, देखो ये कोई फंक्शन का कोई फंक्शन होगा. अब ये नहीं पूछने की जरूरत है कि सर कौन सा इक्वेशन है. होगा, देखेंगे आगे इक्वेशन भी ऐसा आएगा जिसमें आप ऐसा फंक्शन बना सकते हैं. बस ग्राफ से समझो, उसके बाद जो फंक्शन देंगे उसका ग्राफ से समझ सकते हैं. ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है आपको, ग्राफ बस मैं समझाने के लिए बना रहा हूं. ये मान लो आपको ऐसे इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ये भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा, है ना. तो यहाँ आप क्या देखेंगे, ये आपका वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है. वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, ये दिख रहा है. अब ये बताओ, ये पॉइंट है आपका x इक्वल टू एक्स वन, ये पॉइंट है x इक्वल टू एक्स टू. बताओ फंक्शन इंक्रीज कहां कहां हो रहा है? कौन बताएगा मुझे फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज कहां हो रही है, बढ़ कहां रहा है फंक्शन? x1 पे बढ़ रहा है. फंक्शन x1 पे नहीं बढ़ रहा है बेटा, x1 पे थोड़ी ही बढ़ रहा है. किसी पॉइंट x1 पे तो रेट ऑफ चेंज जीरो है.
है ना, स्लोप टेंजेंट बताओ। जब x होगा, जब x की वैल्यू x1 होगी तब, x की वैल्यू x1 होगी तो वहां बढ़ रहा है, यही तो मैं बता रहा हूं, x1 तक बढ़ रहा है। अब ये बताइए, मान लो ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, तो इस पहाड़ पे आप चढ़ेंगे कब, x की किस वैल्यू तक के लिए आप पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे हो? x1 तक की वैल्यू तक, x1 तक, x1 पर नहीं, x1 पे पहुंच के आप चढ़ाई करेंगे, x1 तो पीक हो गया, वही वो x1 का आप चढ़ाई कर नहीं सकते। x1 तक मतलब कहां से, माइनस इंफिनिटी से लेकर x1 तक वैल्यू बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब जहां बढ़ रहा है बेटा, x1 पे तो नहीं बढ़ रहा है, x1 का बढ़ रहा है, देखो तो x1 का वैल्यू बढ़ रही है। नो सर, ध्यान से देखो आप, ऑब्जेक्ट की बात तक वैल्यू बढ़ गई सर, x1 तक बढ़ रहा है, x1 है ओके, x1 तक बढ़ रहा है, x1 पर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, ये बात समझा? एक मिनट बेटा, एक बच्चा इज लेट मी राघव, राघव बेटा, राघव, राघव बेटा क्लास 12 बजे आपकी, ओके सर, ओके, हाँ 12 बजे ज्वाइन करिएगा, थोड़ा मैथ्स की क्लास थोड़ी एक्सटेंड है 11th वालों की, 12 बजे से होगी, और प्रॉपर नोट्स वगैरह तैयार करिएगा, चलिए ठीक है, ओके अभी आप लीव कर सकते हैं, आई विल सेंड अ मैसेज, 12 बजे से होगी जी सर, ओके ठीक है, समझो, देखो यहां देखो, तो यहां से लेकर इंफिनिटी से x1 तक बढ़ रहा है, और घट कहां रहा है बताओ तो सर, वेरी गुड, x1 से x2 तक घट रहा है, x2 पे तो मिनिमम हो गया, x2 से पहले घट रहा था, x2 के बाद बढ़ना शुरू हो गया, तो अगर मैं यहां पूछूं तो आप फंक्शन इंक्रीज कहां हो रहा है, माइनस इंफिनिटी से लेकर x1 और x2 से लेकर के इंफिनिटी तक फंक्शन इंक्रीज हो रहा है ना, तो इंक्रीजिंग कहां हो जाएगा, है ना, y इज इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी टू x1 यूनियन x2 टू इंफिनिटी, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, यस सर, एंड y इज डिक्रीजिंग, y इज सर, हाँ बोलो, x1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, वो चीज अगले वीक में करेंगे बात वो अगले वीक में बात करेंगे, अभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ये जो आपने सवाल पूछा है ना, कई मैथमेटिक्स के टीचर इसमें अटक जाते हैं तो इस पे मैं अगले वीक में डिस्कशन करूंगा, ठीक है, दो तरह का चीज होता है, चलो जो लोग बिना कॉन्सेप्ट के पढ़ाते हैं वो अटक जाते हैं इस चीज में, सो आई विल मेक यू क्लियर कि करेंगे कब, करेंगे कब नहीं करेंगे, दो तरह का चीज होता है, अभी मैं सिंपल बात कर रहा हूं, देखो सेकंड नंबर, वाई इज डिक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंगिंग टू एक्स वन टू एक्स टू, ये बात क्लियर हुआ, ये बात क्लियर हुआ, यस सर, सबको क्लियर है, देख लो, देव सर, सुजन, यस सर, अर्पित, यस सर, हो गया, अब नजरें गराइए इस पे, अपनी नजरों को फिक्स रखिए इस ग्राफ पे, अब मान लो अगर ये ग्राफ है, ध्यान से सुनना मेरी बात को मेरा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप ये समझ जाते हैं यहां पर तो इट विल बी अ मिरेकल काइंड ऑफ थिंग, समझ जाओगे, आपके लिए मिरेकल है, मेरे लिए नहीं, आपको तो समझा ही दूंगा, है ना, मजेदार चीज बता रहा हूं, देखो ये ग्राफ हो गया, ग्राफ स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या देता है, डिफ्रेंशिएशन देता है ना, डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, अब मैं टेंजेंट बनाता हूं, देखो यहां पर टेंजेंट बनाओ, एक सेकेंड, यहां पर टेंजेंट बनाइए, तो टेंजेंट कैसा बनेगा, देखो ऐसा बनेगा टेंजेंट, यहां पर टेंजेंट बनाओ, यहां भी टेंजेंट ऐसा बनेगा, देखो है ना, यहां पर टेंजेंट बनाओ, यहां पर ऐसा बनेगा, यहां पर टेंजेंट बनाओ, यहां पर टेंजेंट ऐसा बनेगा, यहां पर टेंजेंट बनाओ, यहां पे टेंजेंट ऐसा बनेगा, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है सबको, यस सर,
इसका मतलब सब कोई ध्यान से सुनना मेरी बात को, हर जगह स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव है, दिख रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव है, मतलब dy by dx पॉजिटिव है, ये बात क्लियर हुआ? स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है dy by dx, देखो इधर झुका हुआ ऐसे लाइन का स्लोप पॉजिटिव होता है, ऐसे लाइन का स्लोप, इस वाले लाइन का स्लोप निगेटिव होता है, और इस तरह के लाइन का स्लोप पॉजिटिव होता है, पता है ना? पता है ना? यस सर। ऐसे लाइन का स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप है ना, और लाइन इस तरह का है तो निगेटिव स्लोप होता है। तो यहाँ पर मेरा बेटा स्लोप पॉजिटिव है, कहाँ स्लोप पॉजिटिव, आप किसी भी ऐसे पॉइंट लो इन्फिनिटी से लेकर x1 तक पे, x1 पे जीरो हो जाएगा, तो x1 से पहले बनाइए, तो जो भी है बहुत कम भी होगा नहीं होगा, थोड़ा कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, टेंडिंग टू जीरो ही सही लेकिन पॉजिटिव होगा, लेकिन x1 के बाद अगर बनाएंगे तो देखो निगेटिव होगा, दिख रहा है? तो स्लोप का मतलब dy by dx, इसका मतलब जहां इंक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या हो गया, इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या हो गया, इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन हो गया कि dy by dx is greater than zero, is that clear? dy by dx जो भी आएगा, मान लो dx जो भी आया वो greater than zero होगा, समझ रहे हो इस बात को? हाँ बोलो। टेंजेंट कैसे बनाना है ये कैसे पता चलेगा, किस पॉइंट में, क्या इंक्रीजिंग में आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बनाया है, मैं नेगेटिव में क्यों नहीं बना सकता? बना कर दिखाओ, टेढ़ा करके बना दो। एक मिनट बेटा, आप पहले ये पहले नोट भी कर लेना, बोर्ड भरा हुआ है, पहले मैं जो लिखा रहा हूँ उसको नोट कर लो, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, है ना? ओके, अभी मैं लिख नहीं सकता ना बोर्ड पे, आपको एक सेकंड में समझा दूंगा इसको, अगर मैं लिख पाऊं तो। पहले ये बना लो, है ना, टेंजेंट का मतलब टेंजेंट होता है, टेंजेंट एक पॉइंट पे टच करता है, इंटरसेक्ट नहीं करता, बना के तो दिखा दो मुझे। चलो ये रहा ग्राफ, बना के दिखाओ तो स्लोप, निगेटिव स्लोप का टेंजेंट इसमें, कोशिश करो तो बनाओ तो। सुजल, सुजल बेटा, सुजल सुन, स्टार्टिंग पॉइंट में बनाऊं तो स्टार्टिंग देखो एंड पॉइंट पर टेंजेंट नहीं बनता है किसी भी जगह, एक्चुअली ये रुका, ये स्टार्टिंग कहीं नहीं है, ये समझो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग एंड पॉइंट समझो, एंड पॉइंट इज नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, एंड पॉइंट पे कभी टेंजेंट नहीं बनता है किसी भी ग्राफ का, और एंड पॉइंट होगा तो ग्राफ नहीं डिफाइन होगा, तो एंड पॉइंट की बात अभी मत करिए, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है? एंड पॉइंट पे अगर कोई भी फंक्शन का अगर हम एंड पॉइंट लेते हो तो एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएशन इज नॉट डिफाइंड बिकॉज द स्लोप इज नॉट डिफाइंड, वहां पर कुछ भी नहीं बना सकते हैं, वहां पर टेंजेंट डिफाइन नहीं होता है, पहले ये बात क्यों नहीं होता है ये सब आगे की बात है, अगले वीक में करेंगे, अभी उसके लिए टाइम नहीं है, ठीक है? समझा, बस समझा, एंड पॉइंट पे स्लोप डिफाइन नहीं होती है, कैसे बना देंगे? स्लोप हमेशा एडजेसेंट पॉइंट पे होता है, इसके पहले का कोई पॉइंट ही नहीं है, स्लोप बनेगा ही नहीं, ठीक है बेटा? आप बीच के पॉइंट की बात करिए, जैसे यहाँ एंड, यहाँ पे एंड इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी तो ऐसे भी नहीं, समझे? आप जैसे यहाँ पे बनाओ, यहाँ एंड पॉइंट पे ये बात समझ गए ना कि स्लोप नहीं डिफाइन होता है या टेंजेंट नहीं डिफाइन होता है, अगर एंड पॉइंट कहीं एग्जिस्ट कर रहा है ग्राफ में तो, समझाइए बात? हाँ, अभी मैं उन चीजों पे आया नहीं हूँ, अगले वीक में आएगा, है ना? जैसे y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ऐसा होता है, अब यहाँ पे टेंजेंट शार्प पॉइंट है, शार्प पॉइंट इज आल्सो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, तो ये सारी बातें अभी नहीं करेंगे, है ना? अभी वो सारी बातें हम नहीं करेंगे, उसकी ना हमें जरूरत है फिलहाल, समझे? वो सब बात करेंगे तो पूरा अभी कैलकुलस तीन महीने चलेगा, ठीक है? और अभी हमें वो काम करना है, ठीक है बेटा? अभी उसका समय नहीं आया, इसीलिए अब तुम बोलोगे निगेटिव बनाएंगे, तुम अगर ऐसे बना देते हो, देखना ध्यान से, अगर मेरा बेटा तुम ऐसे बना देते हो तो ये स्लोप टेंजेंट तो नहीं कट कर गया है, इसको टेंजेंट नहीं कहते, समझे? तो चलिए, यह बात गया दिमाग में? नहीं बनेगा, एंड पॉइंट को छोड़ने की क्या मतलब, एंड पॉइंट पे टेंजेंट डिफाइन नहीं होता है, मैंने ये बता दिया ना, अभी इसको फैक्ट की तरह याद करो, है ना? फैक्ट की तरह याद करिए, आपका नंबर ऑफ क्लास बढ़ जाएगा, एक क्लास और बढ़ जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में तीन क्लासेज होंगे, मैथ्स में चार क्लास होंगे, एंड दैट इज द एक्चुअल मॉडल मैं आपका क्लासेज लूंगा, अब परमानेंटली यही होगा, धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, ये परमानेंट यही होगा, तीन तीन क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री, चार क्लास मैथ्स, ओके? वो आपका परमानेंट सेट हो जाएगा, और एक क्लास बायो होगा आपका,
लॉकडाउन के बाद हो सकता है दो क्लास में बायो हो जाए। अब देखो तो यहाँ पे ये बात समझ गए, तो जहां डिक्रीजिंग फंक्शन होता है वहां क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई डी एक्स विल बी ग्रेटर देन जीरो। अब देखो जहां डिक्रीज हो रहा है इस रीजन में, यहाँ कहीं भी स्लोप बनाओगे तो देखो स्लोप कैसा आएगा, टेंजेंट का निगेटिव आएगा, है ना। ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा होगा पॉजिटिव डायरेक्शन से, इंक्रीजिंग एक्स से, इंक्रीजिंग एक्स से ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा होगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, डीवाई बाई डी एक्स विल बी लेस देन जीरो। तो पहला कंडीशन हो गया इंक्रीजिंग का, दूसरा कंडीशन हो गया डिक्रीजिंग का। डिक्रीजिंग का कंडीशन क्या हो जाता है, डीवाई बाई डी एक्स लेस देन जीरो। ये बात समझ में आया, आ गया? हाँ सर। चलो ठीक है, तो अगर कहीं क्वेश्चन में पूछता है कि फाइंड द इंटरवल ऑफ एक्स या फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग या फंक्शन इज डिक्रीजिंग, तो इनके लिए क्या करोगे, पहले डीवाई बाई डी एक्स निकालोगे और डीवाई बाई डी एक्स का एक्सप्रेशन आएगा, है ना। डीवाई बाई डी एक्स जो भी आएगा फंक्शन आएगा ना कुछ, वो भी जैसे एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया तो टू एक्स आया, तो टू एक्स आ गया ना। तो वहां से फिर आप क्या करेंगे, ग्रेटर देन जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा, लेस देन जीरो में डिक्रीजिंग हो जाएगा। आप इसको नोट कर लेना, उससे पहले मैं चलो नोट कर लो फिर एक एग्जांपल देता हूं। चलो करो लास्ट। हाँ बोलो। जो हम वो फंक्शन वो निकालेंगे जो हम, वो हमेशा x में पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी ना, x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए होगी। क्यों x की पॉजिटिव होगी, क्यों x की पॉजिटिव है, तो x आया तो क्यों x को माइनस, बेटा x को माइनस 2 नहीं रख सकते हैं 2x में, ये रख सकते हो तो फिर नेगेटिव भी हो सकते हो। तो जहां नेगेटिव वही तो बोलो, लिख लो ना तब मैं कराता हूँ, है ना। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा ना, आप लिखिए पहले इसको, है ना। चलो बातों बातों में नहीं समझ पाओगे ना, आप यहाँ पे रहते आपको आपकी कॉपी पे मैं बता देता, ना आपकी कॉपी है ना मेरे पास बोर्ड है। बोलो अभी कैसे बताए, जल्दी से लिखो इसको, बस दो तीन मिनट और, है ना, दो तीन मिनट और। स्पीड में लिखो फटाफट, लिख लिया सर। ओके दैट्स गुड, सभी का हो गया। ग्राफ बना लीजिएगा, टेंजेंट बना करके देख लीजिएगा, यहां पे भी आपको दिख रहा है ना, जहां पे इंक्रीजिंग है वहां पे डीवाई बाई डी एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। यहां भी लिख सकते हो डीवाई बाई डी एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। अब मैं एक्स स्क्वायर वाला एग्जाम्पल देता हूं, है ना, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। आई एम गोइंग टू रब, ये कंडीशन लिख लो वन और टू, इसको घेर भी लेना इंपॉर्टेंट है, बस इतनी सी कहानी है इसकी, पता है इसपे पूरा ट्वेल्थ में एक चैप्टर है इसपे पूरा एक चैप्टर है, अभी तो बस मैंने कहानी बताया है बस। जो जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ो ना सब पे एक एक चैप्टर बन जाएगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, थोड़ा सा उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाता है बस, कॉन्सेप्ट कुछ भी नया नहीं है। अब जैसा आपने पूछा हम एक्स वन एक्स टू को इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, वो सब चीज आ जाएगा, तो वो सब चीज आपको इलेवेंथ में जरूरत नहीं पड़ती है, तो मैथ्स में जरूरत पड़ती है। देखो एग्जाम्पल देख, लास्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं, बस यहीं पे क्लास को मैं रोकूंगा इस एग्जाम्पल के बाद,
And at 12 o'clock, we will start the physics class. देखो एग्जाम्पल देखिए वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर. बेटा इसका ग्राफ तो आपको पता है ना, ग्राफ पता है ना? यस सर. तो चलो ग्राफ भी बना लो साथ में ताकि दिखे भी. ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आपका ऐसा ग्राफ बन जाएगा लाइक दिस, बन जाएगा. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. यही ग्राफ है, ध्यान देना आप सभी को. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सो ये हो गया बेटा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि यही fx हो गया. y का मतलब fx किसको कहते हैं, y को ही दूसरा नाम देते हैं fx, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड दिस इज x. ठीक है, अब dy by dx कर दो. dy by dx जल्दी बताओ क्या आएगा. पहले तो dy by dx करोगे, स्टेप वन क्या है, फाइंड dy by dx. तो क्या हो गया जल्दी बताओ, come on. 2x. 2x. अब 4 increasing. 4y to be increasing. क्या होना चाहिए, dy by dx should be greater than 0. Greater than 0. This implies 2x should be greater than 0. 2 तो positive है. This implies x should be greater than 0, that it belongs to 0 to infinity, x greater than 0. तो जरा देखो x greater than 0 पे, x greater than 0 पे देखो तो x square बढ़ रहा है क्या, increase हो रहा है. x के बाद पे y बढ़ रहा है कि घट रहा है. Yes sir, बढ़ रहा है. Increase हो रहा है. बढ़ रहा है. तो देखो x greater than 0, x1 रखो, x2 रखो, 3 रखो, 1.5 रखो, 0.1 रखो, 0.4 कुछ भी रखो आप x को, क्या होगा, dy by dx पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, पॉजिटिव होगा. यानी कि 0 से इनफिनिटी के लिए y equal to x square is an increasing function, समझा. तो उसी तरह से देखो for y to be decreasing function, क्या हो जाना चाहिए, dy by dx should be less than 0. तो देख रहे हो जादू है ये चीज. आपको यहाँ x square का ग्राफ पता है, जहां ग्राफ बना सकते हैं इसके हेल्प से ग्राफ भी बना सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको पता है अगर मान लो यहां से भी ग्राफ बन जाएगा. okay? तो dy by dx is less than 0, इसका मतलब क्या होगा, dy by dx मतलब 2x is less than 0 and this implies x is less than 0. less than 0 मतलब माइनस इनफिनिटी टू जीरो, है ना. तो देखो माइनस इनफिनिटी यानी कि इधर से आएंगे एक्स को बढ़ाएंगे, ऑन इंक्रीजिंग द इनफिनिटी टू जीरो, जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा एक्स के बढ़ने पे वाई घट रहा है, तो वाई अगर घट रहा है तो क्या होगा, डिक्रीजिंग हो गया ना, वाई इज डिक्रीजिंग हियर, वाई इज इंक्रीजिंग. इज दिस क्लियर, समझा बेटा, Come on, tell me. Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, चलो अब इसके आगे अगले क्लास में देखेंगे. आज क्लास को यहीं पे रोकते हैं मेरे बच्चों, ठीक है. एंड 12 बजे पक्का मैं शुरू करूंगा काइनेमेटिक्स. चलिए, यू प्लीज नोट, आप इसको नोट कर लीजिए.